से मिलेंगी जो हमारे गुरु हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जिनकी मोस्ट डिमांडिंग लीडर हैं, जो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लीडर आज की डेट में, जितने भी अचीवर आज की डेट में हैं, वो सबकी प्रोटेक्शन अगर कहीं से हुई है तो हमारे गुरुदेव माननीय श्री बीसी छाबड़ा साहब जी के थ्रू हुई है। आज उनका वेबिनार है, उनको बुलाने से पहले मैं सभी जितने भी मेरे बिगनर अचीवर्स हैं, साथी वाइटल स्टार्टर अचीवर हैं, ओपनर ईगल रनर विनर जितने भी मेरे वाइटल अचीवर्स हैं, मैं सबका जो है दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों आपको, उनको नोट कीजिएगा, जो नोट करेगा वही नोट बनाएगा, यही सिद्धांत है इस इंडस्ट्री का। आप जितना ज्यादा नोट करते जाओगे उतने ज्यादा नोट बनाते जाओगे। खूब डायरियां भरी पड़ी हैं हमारे पास में, और वो बातें जो हमने नोट की थी आज हम वो बातें बोलते हैं तो लोग हमारा नाम ले देते हैं कि ये सर की बात है, लेकिन वो किसी और की बात है। आप नोट बना के नोट कमा सकते हैं, ऐसा जो है माध्यम जो है आपके पास में है। सभी वाइटल अचीवर्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप नोट्स जरूर तैयार करें और वही नोट्स आपको आगे लेके जाने वाले हैं। सभी मेरे स्टार अचीवर जितने भी जो है लीडरशिप अचीवर सबका मैं वेलकम करता हूं, सभी रॉयल्टी अचीवर्स का भी मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, गोल्ड का, स्टार गोल्ड का, प्लेटिनम का, स्टार प्लेटिनम का, धुरंधर लीडर हैं हमारे सारे के सारे, वेलकम आप सभी साथियों का। सभी जितने भी हमारे पर्ल अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर, सभी पर्ल अचीवर्स का भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, सभी स्टार पर्ल अचीवर का भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, सभी एम्ब्राल्ड अचीवर्स मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सितारे हैं हमारे एम्ब्राल्ड, जो एक हरी पिन जहां पर पहुंचकर एक व्यक्ति की इनकम जो है लाखों में आनी शुरू हो जाती है और पूरे हिंदुस्तान में उस पर्सनैलिटी का नाम हो जाता है, ऐसे मेरे एम्ब्राल्ड अचीवर्स का भी मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस शानदार वेबिनार के अंदर। मेरे स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर डीके सिंह सर सुल्तानपुर से टीचिंग के साथ साथ में आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं आज भी और स्टार एम्ब्राल्ड के लेवल पे हैं, स्वागत है सर का। सुरेश यादव सर मऊ उत्तर प्रदेश से टीचिंग के साथ साथ आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं और स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर हैं, स्वागत करते हैं हम सर का भी। जर्नैल सिंह खालसा जी जो म्यूजिक लाइन के मास्टर आदमी हैं, उसके साथ साथ पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, वेलकम करते हैं हम सरदार जर्नैल सिंह खालसा जी का भी। हमारे चाचा जी गुरुदेव प्रणाम करते हैं हम चाचा शिव कुमार शर्मा जी को भी चरण स्पर्श, और चाचा जी जो स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर जो एयरफोर्स से रिटायर्ड पर्सन और आने के बाद में रिटायरमेंट के बाद पूरी जबरदस्त स्पीड से सर ने जो है काम किया और आज स्टार एम्ब्राल्ड के लेवल पे पहुंचे हैं, हम वेलकम करते हैं स्टार एम्ब्राल्ड चाचा जी का भी। हमारे बीच में अरोड़ा साहब भी हैं, राकेश अरोड़ा जी का भी जो है हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे रूबी अचीवर वो एक अलग ही पहचान है, अलग ही एक व्यक्तित्व है, राकेश अरोड़ा साहब का भी हम वेलकम करते हैं। हमारे बीच में शैलेंद्र दिंगड़ा सर हमारे रूबी अचीवर शानदार पर्सनैलिटी ग्रेट लीडर, वेलकम करते हैं हम शैलेंद्र दिंगड़ा सर का भी। हमारे बीच में हम मेरे टीम के सभी साथियों के गुरुदेव, हम सब के गुरुदेव राकेश शर्मा गौतम सर भी हैं, द डायनेमिक लीडर, मोस्ट डिमांडिंग लीडर इन इंडिया, यंगेस्ट पर्सनैलिटी, हम वेलकम करते हैं राकेश शर्मा गौतम सर का भी। और मैं अभी आप लोगों के वार्म वेलकम के बीच में ज्यादा देरी ना करते हुए मैं उस पर्सनैलिटी को बुलाने जा रहा हूं जिनसे मैं पहली बार मिला, तो मैं पहली मुलाकात में ही कायल हुआ, फर्स्ट मुलाकात में ही मैं इतना इंस्पायर हुआ सर से, क्योंकि मेरे को सर की एक सबसे बड़ी खास बात क्या लगी थी कि अहम, ईगो और अहंकार, ये तीनों में से कोई चीज सर के पास में मैंने जो है नहीं देखी। आज एक व्यक्ति 20-30 हजार रुपया कमाता है तो वह हाथ मिलाने के लिए सिर्फ इतना सा हाथ बाहर निकालता है, सिर्फ इतना सा, इससे ज्यादा नहीं निकालता। लेकिन सर से जब पहली मुलाकात हमारी हुई तो सर ने मतलब दिल खोल के जो है आगे बढ़ के जो है बुलाया। नया आदमी झिझकता है, हेजिटेशन महसूस करता है मुलाकात करने में, लेकिन सर की ये खास बात और सर से हमने ये सीखा कि आगे बढ़ के खुद जो है सामने वाले व्यक्ति को बुलाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और सर से सीखा और उस दिन से हम कायल हैं। मेरे को याद है 24 नवंबर 2003 का वो दिन, जिस दिन मॉर्निंग सुबह 7 बजे मेरे पास में एक फोन आया
और फोन पे जब घंटी बजी, जब मैंने फोन उठाया तो फोन गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब का था, और उधर से सर ने ये बोला कि प्रिंस कैसे हो तुम, बोला प्रिंस। तो मैंने कहा सर मैं तो प्रमोद गुलाटी बोल रहा हूँ, तो गलत नंबर तो नहीं लग गया आपसे? तो सर ने बोला नहीं, तू ही प्रिंस है और आने वाले समय का तू ही प्रिंस है। 22 नवंबर 23 नवंबर 2003 को मेरा लीडरशिप का जो सेलिब्रेशन था, उस सेलिब्रेशन में मेरे को ट्रॉफी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बीसी सर से। और 24 तारीख को ट्रॉफी लेने से अगले दिन मॉर्निंग में सर का फोन आया और सर ने बताया कि आने वाले समय में आप कहां जा सकते हो। मैं आपको दोस्तों एक ही चीज बताना चाहता हूं कि भविष्य में अगर आप कहां पहुंचना चाहते हो, अगर ये देखना चाहते हो, तो आप अपने सीनियर की नजर से देखो। आपका वो सीनियर आपको बता सकता है कि आप कहां जा सकते हो। आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने सीनियर की नजर से देखो, और हमने सर की नजर से देखा और आज जो है यहां तक पहुंचे, उसमें बहुत बड़ा रोल। बार बार हम अलग अलग तरह की परिस्थितियां हमारे साथ में भी रही, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हर जगह पे रहती हैं, दुकानदारी में, व्यापार में, बिजनेस में, हर जगह पे रहती हैं, आरसीए में भी रही, लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र हमारे पास थे, एक ऐसे भीष्म पिता में जो ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स के रोल मॉडल हैं। मैं आपके वार्म वेलकम के बीच इनवाइट करता हूं, क्योंकि अभी 1000 का ये फुल हो चुका है, अब तो इसमें पैर रखने की जगह भी नहीं है, यही जूम के अंदर कमी है। 1000 लोगों के हॉल में तो हम घुसा लेते हैं 500 और भी, लेकिन यहाँ नहीं घुसा पाएंगे। तो आप वो लकीएस्ट 1000 हैं जो आ चुके हैं, तो मैं आप सबके वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करता हूं द ग्रेट पर्सनैलिटी, द ग्रेट डायनेमिक हीरो इन इंडिया, आर लीजेंड ऑफ आरसीएम, प्राइड ऑफ आरसीएम बिजनेस, गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू प्रमोद जी। पहली बात तो मुझे बताइए कि मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्यारी आवाज आ रही है। मेरा चेहरा भी आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। वेलकम वेलकम गुरुदेव। हाँ अजय जी, अभी तो आप घर पहुंच गए होंगे, मैं कल बात करता हूँ। वेलकम सर, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी साथियों को, पहले तो जिन जिन का भी प्रमोद जी ने स्वागत किया, मैं उनका डबल और दिल से, और मैं थोड़ा और ज्यादा गहराई से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और ये दो जो चेहरे हैं ना, राकेश जी और प्रमोद जी, पहले दुनिया मेरे जैसे बनना चाहती थी, अब मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। और मेरी बैटरी इनको देखते ही उतनी चार्ज हो जाती है जितनी मेरी परमात्मा के साथ मेडिटेशन लगाने से होती है। और दोस्तों जो भी आज पहली बार आए हैं और मेरे साथ पहली बार मिल रहे हैं, मैं उन सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे आज सेवा का मौका दे रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे शब्दों से आपकी जिंदगी में कुछ नई तस्वीर बने और आपकी नई तकदीर बने। आज का विषय बहुत ही शानदार है, मतलब बहुत ही शानदार विषय है आज। आज की मीटिंग को आपको बिल्कुल, जो अभी प्रमोद जी ने बहुत शानदार बात कही कि नोट बनाने से नोट कमा सकते हैं, मैंने भी इस बात को नोट कर लिया। प्रमोद जी जो बोलते हैं ना, तो मैं डायरी और पेन तुरंत खोल देता हूँ, मैं बैग में से तुरंत निकाला, मैंने कहा क्या पता कब कौन सा मोती निकल जाए। और वो मोती हकीकत है दोस्तों, बिल्कुल ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि आप अपने आप से नहीं सीख सकते, आपको दूसरों से ही सीखना होगा। जो आप हो वो तो आप पहले ही हो, आपको नयापन को चाहिए तो नए लोगों से मिलते रहना होगा, और नए लोगों की बातों को आप नोट बनाओगे तो नोट कमाओगे। और मैं बिल्कुल आज ज्यादा देर भी नहीं करना चाहूंगा। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का ही है। ये शायद परमात्मा ने मेरे को उसी लिए डिजाइन किया, ये बात मैंने समझ ली, तो फिर मैंने कहा भाग्य बनाने पे काम मत करो, भाग्य अपना मत बनाओ, दुनिया का बनाओ, जो भगवान ने दिया वही काम करो। और बिल्कुल दोस्तों, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार हूँ, पिछले 22 सालों से आरसीएम बिजनेस को बहुत करीब से देख रहा हूँ, जी रहा हूँ, और आरसीएम के माध्यम से मैंने जो लोगों की जिंदगियां बदली है उन तस्वीरों को भी देख रहा हूँ और उन तकदीरों को भी देख रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, और कच्छ से काजीरंगा, केरल से कारगिल, और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने इस बिजनेस की सफलताओं की कामयाबियों को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। अब वो सच्ची जागृति
की परिभाषा थोड़ा समझने में वक्त लग जाता है। कई बार हम आंखें खुली होने को ही जागना कह देते हैं। भीतर की जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है तो हम जाग जाते हैं, और जागते हैं तो फिर प्रमोद गुलाटी और राकेश शर्मा बनते हैं। ये जागने के बाद ही बनते हैं। बाकी दुनिया में आरसीएम में लोग तो बहुत आते हैं, मैं आप खुद ही बताइए, यहाँ पर लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर, करोड़ों कम नहीं आते, करोड़ों लोग आते हैं और टिकने वाले करोड़ों कमाते हैं। फिर लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं भाई? क्योंकि हर कोई ना जाग पाता है ना सीख पाता है। एक बात जरूर तय है कि यहाँ पर सीखना शुरू हो जाता है तो जीतना शुरू हो जाता है। और आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जिसको करते करते सीखना होता है और सीखते सीखते करना होता है। आप कहोगे मैं पहले बाहर से जो सीख के आया हूं उसको यहां अजमा लूं तो नहीं बनेगा। भाई चाचा जी फ्लाइट तो बहुत अच्छी उड़ा सकते हैं, लेकिन आरसीएम की फ्लाइट उड़ाने के लिए तो सारा विज्ञान नया सीखना होता है। ये चाचा जी ने करके दिखाया है। तो एकदम बिल्कुल ये बातें प्रैक्टिकल है, रियल है। तो इसलिए इस बिजनेस को आपको अपने, और जो प्रमोद जी ने जो बात कही है उस एक लाइन को कहीं डायरी में ऐसी जगह लिख लें कि रोजाना एक कदम भी भूल ना हो कि इस बिजनेस को अपनी नजर से नहीं देखना है, इस बिजनेस को अपलाइन की नजर से देखना है। और दूसरी बात और ध्यान रख लें कि अपलाइन की नजर में बने रहना है। वो अपलाइन की नजर में बने रहने से आपके चारों ओर जो भी कुछ उल्टा पुल्टा होगा वो अपलाइन संभाल लेगा। क्योंकि देखो, और दूसरा, इस बिजनेस में बहुत सिंपल बात मैं करूं तो भूल के भी कभी भी नेगेटिव मत होना। और जब आपका बिजनेस डाउन करने की आपकी इच्छा हो जाए कि मेरे को बिजनेस को डाउन करना, तो नेगेटिव हो जाना। हाँ, आप नेगेटिव हो ही जाओ, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो चुप हो जाना। हमारे कदम जी कहते हैं कि चुप हो जाओ, थोड़े दिनों शांत रह लो, गायब हो जाओ। लेकिन तुम नेगेटिविटी टीम में बांट दोगे तो फिर वो नेगेटिविटी तेरा बिजनेस को डाउन कर देगी, फिर तू तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा, फिर कह रहा मेरी टीम खराब हो गई। अरे भाई, तू नेगेटिव हुआ तो तूने टीम को क्यों नेगेटिव किया? चुप हो जाता, थोड़ी देर साइड हो जाता, तेरा बिजनेस तो बढ़ता रहता है क्योंकि सिस्टम संभालता है बिजनेस को। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये बिजनेस निरंतर सीखने का है और निरंतर सीखते हुए करते रहने का है। और कहते हैं कि, मैं तो कहता हूं कि अपनी गलतियों को बनाओ अपना गुरु, फिर भी रहो शुरू तो बन जाओगे जमाने के गुरु। आपसे जो गलतियां होगी ना, लेकिन इतना दो बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बिजनेस को करते 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 मच्छर बहुत काटेंगे आप, मच्छर बहुत काटेंगे, और बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। लेकिन मच्छर काटने से आप परेशान होते तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, फिर तो मोदी जी के पास भी नहीं इलाज। हाँ, हाथी कभी भी काटे तो राकेश जी की जिम्मेदारी है, प्रमोद जी की जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है। हाथी आपको कभी नहीं काटेगा। आप छोटी मोटी चीजों से परेशान मत होना, उसको मीटिंग में नहीं बुलाया, उसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया, जो छोटी छोटी चीजें होती रहेगी। और जब चलोगे तो ठोकर लगेगी, पत्थरों से गिरोगे, खड़े हो जाना, पहाड़ की टक्कर कभी भी नहीं लगेगी, ये मेरी जवाबदारी है। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल सिंपल, और मैं अब चूंकि प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट काफी बड़ा है तो सीधा प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। सभी साथियों का मैं तहे दिल से, और बिल्कुल आपने सेशन एकदम पैक कर दिया है तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको सेशन में जगह मिली है। और मेरी पहली जो स्लाइड होगी वो यही कहेगी कि यू आर बॉर्न टू विन, आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। और ये बात मैं हर हिंदुस्तानी को कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मैंने एक ही बात कही है, आपकी मम्मी को पापा को किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हो। क्योंकि ये यू आर बोर्न टू विन लाइन मैंने आरसीएम के शुरुआती दिनों में ही सीख ली थी। भाई, पपीते के बीज में पपीता है, आम की गुठली में आम है, इंसान मानव में महामानव है। हाँ, वो उन परिस्थितियों से उसको गुजरना होता है, उन एग्जाम्स को उसको पास करना होता है। तो फूल खिलता है तो ही खुलता है। तो आपको भी अपने आप को इस माहौल में रखकर अपने आप को तैयार करना है। मेरी स्क्रीन आ गई कैसे? हाँ, तो आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ बातों को मैं बहुत शॉर्ट कर दूंगा, और राकेश जी का साथ है इसलिए डरने की बिल्कुल भी नहीं बात है। आपके पास एक ऐसे कुशल नेतृत्व में आप सारे लोग काम कर रहे हो। उम्र में आप राकेश जी से बड़े हो सकते हो, उम्र में आप बड़े हो सकते हो, आप ज्ञान में बड़े हो सकते हो, गुणों में बड़े हो सकते हो, लेकिन ठोकरे खाने में आप राकेश जी से बड़े नहीं हो सकते। इन्होंने इस बिजनेस को इस बिजनेस से सीखा है, इसलिए इस बिजनेस के टाइम राकेश जी को अपना सीनियर, अपलाइन
के तौर पर देखकर बिजनेस को सीखोगे तो आपके लिए बिजनेस काम करेगा। ये बिजनेस बहुत सरल है और बहुत बड़ा है, बहुत सरल है और बहुत बड़ा है। ये दो बातें सुनने में बड़ी विरोधाभासी लगती है कि सरल है तो बड़ा कैसे है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपके देख रहा हूँ। हमारे साथ जिन लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया, आज उनका सालाना एक साल का टर्नओवर 2000 करोड़, 2500 करोड़। प्रैक्टिकल है, अब होगा नहीं है, अब है 2000 करोड़, 2500 करोड़ का सालाना टर्नओवर। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का नहीं होता है, पर यहाँ है। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए, करोड़ों के लोन लिए तो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रुपए का लोन नहीं लिया, एक दुकान नहीं खोली, एक कर्मचारी नहीं रखा, एक फैक्ट्री नहीं लगाई, लेकिन 2000 करोड़ का टर्नओवर इनका है। और मजे की बात यह है कि इनका 20,000 करोड़ भी होगा, क्योंकि ये उस सिस्टम में आ चुके हैं, अभी ये उस ट्रैक पर चल चुके हैं। और मजे की बात यह है कि अगर आप चाहोगे तो कल आपका भी हो सकता है, आपका होगा नहीं बोला मैंने, आपका भी हो सकता है। तो आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री में हो, कितने बड़े बिजनेस में हो, उतना बड़ा दृष्टिकोण, उतने बड़े सपने, उतना बड़ा ज्ञान, उतना बड़ा मोमेंटम, उतना बड़ा हौसला, उतना बड़ा फैसला, उतना बड़ा नजरिया, वो सब आपको बनाना पड़ेगा, तब आपका हो गया। क्योंकि लीडर का निर्माण बिजनेस का निर्माण है। और दोस्तों ये छोटी सी स्लाइड है जो बिल्कुल RCM की नॉलेज से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये स्लाइड शायद आपके काम की है कि आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। इस दुनिया में जितने भी दुख हैं उनका कारण है मेरा स्वभाव, मेरी जिंदगी में जितनी भी तकलीफ है उसका कारण है मेरा स्वभाव, मतलब मेरी आदतें, मेरा स्वभाव, मेरा निजी नेचर। और जितने भी सुख मेरे पास हैं उनका भी कारण है स्वभाव, और इसको बदलना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आप देख लेना, अपनी टीम में देख लेना, लेकिन लोगों का स्वभाव बदलना इतना आसान काम नहीं है। तो ये काम आपको करना होता है इस बिजनेस में, और इस बिजनेस को आप ध्यान से समझो कि आज प्रैक्टिकल लोग इस बिजनेस में 500 भी कमा रहे हैं, 5,000 भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, 1,00,000 भी कमा रहे हैं, 10,00,000 भी कमा रहे हैं, और 1 करोड़ भी कमाएंगे। ये जो डिफरेंस है ना, ये समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिकल है ये, बाजार में दो दुकानें, एक कम चल रही है, एक ज्यादा चल रही है, तो समझ में आता है एक के पास पूंजी कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, एक की दुकान शहर में, एक की गांव में, एक की दुकान की साइज छोटी है, एक की दुकान गली में है, एक की वहां है, लेकिन यहां तो सब कुछ इक्वल है, लेकिन अंतर जो है ना वो भारी नहीं है। अंतर भारी का भी कोई और भारी हो सकता वो है, तो वो अंतर आपका है कि सिस्टम का है। ये बात को गहराई से चिंतन करना है कि जब दूसरे कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, दूसरों की जिंदगी बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं बन सकती। दूसरे भी थी इसमें आने के बाद ही RCM को सीख, RCM से ही रहे हैं वो, उनका बाहर का ज्ञान यहाँ पे काम नहीं आया है। जो कुछ उन्होंने सीखा RCM को RCM से सीखा है, RCM को RCM से डेवलप कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रोल आपका रहेगा वो रहेगा गोल का। आज मैं चूंकि गोल के विषय को तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन चूंकि आज मैं आपके कुछ गोल सेट कराना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी में गोल का रोल है। जैसा मेरा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है, गोल इज इक्वल टू रोल, जैसा गोल वैसा रोल, छोटा गोल छोटा रोल, बड़ा गोल बड़ा रोल। भाई मोदी जी का गोल अलग है तो उनका रोल भी अलग है, गोल अलग है इसलिए रोल अलग है, बच्चन साहब का गोल अलग है इसलिए रोल अलग है, आतंकवादी का गोल अलग है इसलिए रोल अलग है, प्रमोद जी का गोल अलग है तो रोल अलग है, TC जी का गोल अलग है तो रोल अलग है, NutriCharge वालों का गोल अलग है तो रोल अलग है। गोल के हिसाब से रोल होता है, पर कईयों का गोल भी नहीं होता है, उनका मामला ही गोलमोल होता है। और जिनका मामला गोलमोल है वो तो फुटबॉल है भैया, और फुटबॉल तो किसी भी टीम के पास चल जाए वो लात मारते हैं, वो रखते नहीं अपने पास। तो गोल सेट करना आपकी जिंदगी की, आपकी छोटी छोटी आंखों में भी, अगर राकेश जी की सबसे बड़ी खूबी अगर कोई आप जानना चाहते हो तो उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, इसलिए कामयाबी के दिन उनके अपने हैं। प्रमोद जी की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। आप भी अपने सपनों को जगाओगे तो किस्मत को जगाओगे। और गोल के बारे में दूसरी जो सिंपल लाइन में कहना चाहता हूं, एक बार आज चूंकि मैं गोल पर बात करूंगा तो एक्यूरेट गोल,
गोल नहीं, एक्यूरेट गोल सेट करके उसको अचीव अगर आपने एक बार कर लिया, अचीव करने की प्रक्रिया से आप जो गुजर गए, वो गोल छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं है, आपके पास जैसी टीम है, जैसे अभी आपके पास छोटी टीम है तो छोटा ही गोल बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर इस प्रोसीजर को एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया तो इस प्रोसीजर से गुजरने से जो कॉन्फिडेंस आप में आएगा वो आपके बड़े बड़े गोल अचीव करने के रास्ते खुल जाएंगे। आज मैं आपके बीच में बातें करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा, लेकिन चूंकि मैं पहले ऐसा कर चुका हूं, मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि मैं आज यहां बैठे हुए सभी एमरल्ड को स्टार एमरल्ड बना सकता हूं। मैं नहीं बना रहा हूं, वो प्रोसीजर बना रहा है, क्योंकि वो तरीका मेरे पास है। तो उस तरीके को आज आपको समझना है। तो आप इस बात को, इस स्लाइड को बहुत गौर से देखें कि आपका गोल है तो आपका रोल है, और उसकी एक टेक्निक होती है जो आज का विषय नहीं है, 5 दिन तक 55 बार लिखना, 5 दिन तक 55 बार, 5 days 55। इस टेक्निक का नाम है 5x55 टेक्निक, और उसको एकदम यानी पेपर पे पहले अपने गोल को पक्का करना, उसकी पूरा तरीका है, आज वो मेरा विषय नहीं है। 5x55 टेक्निक को आपको बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की टेक्निक है ये, इसमें आपको पास होना है पहले। अगर यही फेल हो जाओगे, आप अपने गोल को 5 दिनों तक 55 बार एक सीट पर बैठकर नहीं लिख पा रहे हो तो आप फील नहीं कर पा रहे हो, सगाई नहीं कर पा रहे हो तो शादी कैसे करोगे। तो आई हैव अचीव्ड, और उसमें आपको आई हैव अचीव्ड माई रॉयल्टी, यानी आपको उसको फील करना होता है, महसूस करना होता है। और आज दूसरा, पहला विषय मेरा हुआ गोल, अब दूसरा विषय मैं कर रहा हूं, एक रोड मैप दे रहा हूं मैं आज आपको सफलता का, मेरा तरीका आज आपको दे रहा हूं मैं, वो तरीका है लॉयल क्लब। उस तरीके का नाम है लॉयल क्लब। लॉयल क्लब कंपल्सरी क्लब है, बाकी सब ऑप्शनल क्लब है, ये पासिंग मार्क्स है। लॉयल क्लब कपड़े हैं, लॉयल क्लब यानी आपके घर के यूज के सामान आप आरसीएम के ले रहे हो तो उससे आरसीएम के सामानों के लेने के प्रोसीजर को हमने नाम दे दिया लॉयल क्लब, बाकी उसको कोई क्लब की जरूरत नहीं है भाई। आप अगर 100% पूरे आरसीएम को खड़ा हमने किससे किया था, लॉयल क्लब से। अब आप कहोगे पहले तो लॉयल क्लब था ही नहीं भाई, पहले एक ही था कि किट से ज्वाइनिंग होती थी, 1500-1500 वॉल्यूम होता था और ज्वाइनिंग का भी होता था, तो वो उसी को तो डुप्लीकेट, वो आधा लॉयल क्लब था। पहले कपड़े के अलावा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था, उससे बिजनेस बढ़ता जाता था। वो सेम चीज को अब आपको प्रोडक्टों से करना है। रोड मैप भाई, आप साल में 12 महीने बिजनेस कर सकते हो तो फिर 2 महीने क्यों करते हो भाई? आप 2 महीने करोगे तो पूरी टीम भी 2 महीने ही करेगी। ये जो पूरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये 12 महीने का तरीका है, और हम अगर 2 महीने का तरीका चुन लेंगे तो वो 2 महीने वाला 12 महीने का मुकाबला तो नहीं कर सकता। और ये चक्रव्यूह को आपने अगर एक बार फंस गए ना 2 महीने वाले में, तो इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है, वो अभिमन्यु की तरह से है, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता है लॉयल क्लब। ये रिजल्ट आपको कल का कल नहीं देगा, 7 फेरे खाने के बाद ही परिणाम आएंगे। तो आपको, क्योंकि आप कहोगे कि सर पहले आदमी डायमंड क्लब कर रहा था, अभी लॉयल क्लब में आ गया, लेकिन ये डुप्लीकेट हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये मल्टीफोल्ड हो सकता है। ये तीनों खूबियों को पूर्ति करता है, नेटवर्क को बढ़ाता है, बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाता है और लीडर को बढ़ाता है, ये तीनों काम करता है। और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे पास अभी तो सैकड़ों हो चुके हैं, 1-2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको मैं। ये छिंदवाड़ा स्टेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जिसको हम भी 22 साल में खड़ा नहीं कर पाए थे स्टेशन को, 22 साल में हम उस जगह के बिजनेस को खड़ा ही नहीं कर पाए, लेकिन लॉयल क्लब क्या मिला, वहां के लोग खड़े हो गए। दिसंबर के महीने में वहां पहुंचा लॉयल क्लब, 250 लोगों ने किया, जनवरी में 300 ने किया, फरवरी में 350 ने किया, मार्च में 450 ने किया, बिजनेस 23 लाख हुआ, और मैं 1500 लोगों का फंक्शन करके आ गया 22 साल में पहली बार। ये कमाल लॉयल क्लब से हुआ है, जो काम 22 साल में कोई लीडर नहीं कर पाया, कोई सिस्टम नहीं कर पाया, उसको लॉयल क्लब ने कर दिया। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, जिस मतलब वो तो चलो सिटी का एग्जांपल था, मैं एक रॉयल्टी अचीवर का एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि रॉयल्टी अचीवर के साथ आज मुझे बात करनी है। ये रॉयल्टी अचीवर किस टीम से मुझे पता नहीं,
लेकिन ये किसी दिन संडे की जैसे आज की मीटिंग है, किसी मीटिंग में ये बैठे और इन्होंने लॉयल क्लब के कंसेप्ट को सुना संडे की हमारी मीटिंग में, जनवरी के आखिरी में सुना होगा, तो फरवरी से इन्होंने चालू किया है ये। फिर इन्होंने ढूंढ ढांड के मेरे नंबर लिए, मेरे संपर्क में आए और फरवरी में 30 लॉयल क्लब एक रॉयल्टी अचीवर, मार्च में 100 लॉयल क्लब, अप्रैल में 105 लॉयल क्लब और मई में ये संख्या बहुत बड़ी होने वाली है। और ऐसा टीम कदम के में ढेर सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि एक्यूरेट आंकड़ा मैं तैयार नहीं कर पाया तो इसलिए मैंने आपको, लेकिन रेगुलर ग्रोथ, मतलब मेन मेरा नारा है रेगुलर ग्रोथ, क्योंकि हिमालय की चोटी को रेगुलर ग्रोथ से ही, बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि लगातार ग्रोथ से ही हिमालय की चोटी को छू सकते हैं। कोई ऐसे छलांग लगा के हिमालय की चोटी को छूने की कोशिश करेगा तो शायद बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा। ये बिल्कुल कुदरत का नियम है कि हिमालय की चोटी पे धीरे धीरे ही बढ़ सकते हो आप। छलांगे लगाने की कोशिश करोगे तो चोटी नहीं, दांत टूटेंगे, फिर टांगे वांगे सब टूटेगी। ये लगातार ग्रोथ का जो प्रिंसिपल है उससे दुनिया का कोई भी कामयाबी को, मंजिल को, क्योंकि मंजिलें फिक्स है, चोटी ऊपर नहीं हो सकती। आप चलते रहोगे तो चोटी तो वहीं की वहीं रहेगी, आप चोटी पे पहुंचोगे। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आज अगर आप सीख लेते हो, मतलब ये बड़ा सुनने में आश्चर्यजनक लगेगा लेकिन ये हकीकत है, ये विज्ञान है। आज मैं एक तारीख है, मान लेता हूं कि आज एक तारीख है और एक तारीख को मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूं, और गूगल पे भी आपको ये मिल जाएगा, दो ऑप्शन रखता हूं कि 1 करोड़ रुपए ले लो या 1 रुपए ले लो, या तो 1 करोड़ ले लो या 1 रुपए ले लो। तो हर आदमी कहेगा 1 करोड़ दे दो, 1 रुपए का क्या करूंगा, लेकिन मैं 1 रुपए के साथ एक इनाम दे रहा हूं कि 1 रुपए लोगे तो मैं रोजाना उसको डबल कर दूंगा। 1 करोड़ तो मैं एक बार देके फ्री हो जाऊंगा, 1 करोड़ को मैं अगर डबल करता हूं रोजाना तो ये आंकड़ा शुरू में पता नहीं चलता कि 1 के 2 ही होते हैं, 2 के 4 ही होते हैं, 4 के 8 ही होते हैं, 8 के 16 ही होते हैं, 16 के 32 ही होते हैं, 32 के 64। पावर ऑफ कंपाउंडिंग नए आदमी को समझ में नहीं आती है क्योंकि इसका रिजल्ट 9 महीने बाद आता है, और 9 महीने के बाद देखो आप 256 के 512 1024, और 30वें दिन देखो आप 53 करोड़ 68 लाख, और 31वें दिन देखो आप 107 करोड़। कहां 1 करोड़ और कहां 107 करोड़। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और लॉयल क्लब में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू छिपा हुआ है। इस जादू को अगर आपने दूर दृष्टि, जिनकी नजर दूर की है वो समझ पाएंगे, और खाली लॉयल क्लब में वही जादू नहीं छिपा हुआ, उसमें जादू छिपा हुआ है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ डुप्लीकेशन और पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वो डुप्लीकेट हो सकता है, वो लगातार हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है। उस बात को अगर प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे तो पहले मैंने आज एक बिल्कुल नए आदमी को पकड़े, आप एकदम नए आदमी को ज्वाइन कराएं और उसको और कोई भाषा सिखाने के बजाय लॉयल क्लब की भाषा सिखा दें कि तुम्हें कम से कम 1 महीने में, आपको सीधा प्लान आ गया, 1 महीने में क्या 2 लोगों की सामान बदलवा सकते हो, पूरे 1 महीने में 2 के बदलवा सकते हो, 100% यूजर बना सकते हो। आप पहले सामानों से संतुष्ट हो लो फिर करो, आपके 2 तो इस दुनिया में होंगे, मुर्दे के भी 4 होते हैं, तो वो आसानी से वो कहेगा ये तो हो सकता है, फिर उन 2 की मदद करके 2 को 4, 4 की मदद करके 8, 8 की मदद करके 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 9वें महीने में वो 512 नए लोगों की संख्या हो रही है, और 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2,048 और 12वें महीने में 1 करोड़ 2 लाख। यानी 12वें महीने में एक आदमी नए लोगों से स्टार एमरल्ड बन रहा, वो भी केवल खरीदारी से बन रहा है, और लोग कुछ नहीं कर रहे, लोग घर की जरूरत के सामान ही खरीद रहे हैं। RCM अकेली कंपनी है जिसके पास घर की जरूरत के दैनिक उपयोगी सामान वाजिब कीमत, उत्तम क्वालिटी, स्वास्थ्यप्रद है। ये काम दुनिया में और कोई कंपनी नहीं कर सकती, ये काम केवल कर सकती है RCM कि जहां पर 100% आपके घर में काम आने वाले 100% सामान है। तो जो चीज अभी मैं तो कहता हूं कि लॉयल, ऐसा शब्द लॉयल का मतलब ही होता है वफादार। अब आपके पास 2 तरीके हैं, जिनको भी स्टार, रूबी, सफायर, डायमंड पे जाना है
तो एक बात तो मान लें कि ऊपर के तरीके से आप एमरल्ड बन सकते हो, स्टार एमरल्ड बन सकते हो, उसके बाद वहां ठहराव आ जाए, उसके बाद वो आपके बस की बात नहीं रहेगी, एक तारीख को जीरो होता है। लेकिन रेगुलर ग्रोथ से आप किसी भी मुकाम पे जा सकते हो, वो ग्रोथ कितनी भी धीमे हो, कितनी भी धीरे हो, मतलब उसमें स्पीड की जरूरत ही नहीं है तो भी बढ़ेंगे। अरे नाखून कितने धीमे बढ़ते हैं तो भी गिनीज बुक में फोटो छपवा लेते हैं, बाल कितना धीरे बढ़ते हैं, पृथ्वी कितने धीरे घूम रही है, मतलब धीरे धीरे वाली चीजें भी आपका कमाल कर सकती है रेगुलर ग्रोथ में। और आपके बिजनेस में जितनी भी तरह की समस्याएं आपको दिख रही है, इधर समस्या का नाम लिखो, आगे लॉयल क्लब का नाम लिखो, सब ठीक हो जाएगी। आप कर दो सर पीयूसी की सेल नहीं हो रही है, सबको लॉयल क्लब में कन्वर्ट करो, पीयूसी की सेल बढ़ जाएगी। आपको सर नए लोग छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ना बंद कर देंगे, आपके लोगों के पेमेंट नहीं आ रहा है, ये सबके पेमेंट आना शुरू हो जाएंगे, जो भी लॉयल क्लब करेगा उसके खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। मतलब जितनी भी आपको कोई भी समस्या नजर आ रही है, इधर समस्या लिखो, इधर लॉयल क्लब का नाम लिख लो, आपको सभी तालों की चाबी मिल गई। ये है लॉयल क्लब, इसमें बहुत ज्यादा। हाँ, अब बात करेंगे डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, ये करना है, लेकिन पहले वो करना है फिर ये करना है। जो वो नहीं कर रहे हैं उनको ये क्या करना है? अरे कपड़े पहने बिना गहने पहन के घूमोगे तो बाजार में जूते खाओगे। भाई पहले कपड़े पहनने हैं और फिर गहने पहनने हैं, तो ये तो भाई डायमंड क्लब और सुपर डायमंड क्लब तो वो गहने हैं, तो जिनकी भी औकात है, जिनकी भी हिम्मत है, जिनकी भी ताकत है, सबको पहनने चाहिए, क्यों नहीं पहनने चाहिए? ऐसा कोई घर होना चाहिए कि जहां ज्वेलरी ना हो? तो दोनों चीजों का कोई आपस में टकराव नहीं है, लेकिन वो कंपल्सरी क्लब है, ये मैंडेटरी क्लब है, वो एसेंशियल, वो पासिंग मार्क्स है, 36% है, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये डिग्री मतलब ये डिस्टिंक्शन है। तो पहले पास तो हो रहा भाई, आपके घर में तो डायमंड क्लब कर रहे हो और आटा बाजार से आ रहा है, फिर काई का डायमंड क्लब कर रहे हो भाई? आपके घर में तो डायमंड क्लब कर रहे हो और आपके हल्दी धनिया बाजार से आ रहा है, फिर डायमंड क्लब काई का कर रहे हो आप? इसलिए इस बात को समझे। लेकिन अगर हमें पर डे ग्रोथ चाहिए, क्योंकि सामान तो हर दिन यूज होते हैं, पर लीडर ग्रोथ चाहिए, पर स्टेशन ग्रोथ चाहिए और पर मंथ ग्रोथ चाहिए, तो एक ही तरीका है, उसका नाम है लॉयल क्लब। और इसके साथ में कुछ शक्तियों को मिला दो वाइटल, जो कि नेटवर्किंग की साइंस है। नेटवर्किंग कहां से सीखोगे? वाइटल से। लॉयल क्लब से नेटवर्किंग थोड़ी सीखे आप। भाई नेटवर्क में लेग स्ट्रक्चर सीखना है, सीढ़ियां, तो छोटे से बड़े सीखोगे। तो ये अगर आप पूरे नेटवर्किंग के गुरु, मास्टर, टीचर, ट्रेनर सब कुछ बनना चाहते हो, तो नेटवर्क की सारे डिफरेंस, कमीशन, लेग स्ट्रक्चर सब कुछ सीखना है, तो वो एक ही तरीका है, उसका नाम है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है अनिवार्य साइंस। भाई इन सीढ़ियों के बिना रोल्टी पर जाओगे कैसे? छलांग लगा के थोड़ी चल जाओगे। तो इस वाइटल को लॉयल क्लब के साथ ऐड कर दो, तो आपके बिजनेस में जितनी भी उबड़ खाबड़ तरीके सब बंद हो जाएंगे और स्ट्रेट सीढ़ियां बन जाएगी पूरी टीम के लिए। और जब ये सीढ़ियां तैयार हो जाएगी, इसमें वाइटल साथ में होगा, लॉयल क्लब साथ में होगा और 6 पीस गामा ओरिजिनल और ये पिन साथ में होगी। और साथ में आपको कुछ चीजें और हम मिक्स करवाएंगे, कुछ और तड़का लगाएंगे, तो फिर आपके बिजनेस को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपकी रोल्टी को 6 महीने में कोई रोक नहीं सकता, ईमानदारी से ये कर लिया तो। और अगर आपने कुछ मसाले और डाल दिए, तो आपको पता है इतिहास की सबसे सुपर हिट फिल्म थी शोले, जिसमें सब मसाले थे। वो कहते ना, उसमें कॉमेडी भी थी, गाने भी थे, डांस भी था, सब कुछ था, जिसने भी देखा जय और वीरू की जोड़ी को। तो ये जय और वीरू की जोड़ी है, 6 पीस गामा ओरिजिनल, लॉयल क्लब, वाइटल, की सोल, ये सारी चीजों को अगर आप मिला दोगे और सबको पूरा मिक्सअप करोगे, तो आपका जिंदगी शोले की जैसी कामयाबी, अब तक की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म शोले, तो आपका बिजनेस भी शोले हो जाएगा। लेकिन फिर काम सब पे करना होगा, उतनी ताकत भी चाहिए, फिर आपको वीर भी बनना होगा टीम में, वीरांगना। भाई हर आदमी का अपना, गब्बर का अपना रोल होगा, जय का अपना रोल होगा, वीरू का, बसंती का अपना होगा और उसका अपना होगा, सबके अपने अपने रोल रहेंगे भाई। और अब दोस्तों ये बात हुई यहां तक की, मैंने आपके सामने बात करी गोल सेट करने की, मैंने आपके साथ में बात करी लॉयल क्लब की, और मैंने बात करी आपके शोले के मसालों की। लेकिन अब 22वीं एनिवर्सरी का आगाज हो चुका है और किस टीम को हिंदुस्तान में नंबर 1 बनना है,
22वीं एनिवर्सरी के स्टेज पे बस प्रमोद ही सितारा बनना चाहिए, तो उसका तरीका क्या है उस पर मैं आज बात करूंगा। अभी तक की बात मेरी अगर समझ में आई हो तो थोड़ी सी समीक्षा उस पर कर सकते हैं, ताकि मैं बिल्कुल नया चैप्टर पर आ रहा हूं, तो प्रमोद जी आप चाहें तो थोड़ा सा विश्लेषण उसका कर सकते हैं, आप अपने कमेंट दे सकते हैं उस पर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। और अभी तक का जो सेशन आपने लिया, बिल्कुल आप शुरू से पहले दिन से ये चीज बोलते आ रहे हैं कि जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, और जिसका कोई रोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। और ये जो लॉयल क्लब है ना सर, ये लॉयल क्लब एक तरह से वरदान है और हर कोई कर सकता है। लॉयल का मतलब वफादार कस्टमर का क्लब, यानी अगर हम लाख रुपया 5 लाख रुपया आरसीएम से चाहते हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट 100% नहीं यूज कर पा रहे हैं, अपने टूथपेस्ट बाबा रामदेव का रखा हुआ है बाथरूम में और लक्स से नहा रहे हैं और बात कर रहे हैं अपन लाख रुपया यहाँ से बनाने की, तो वो दिल्ली दूर है। तो एक तो ईमानदारी से अपने को 100% प्रोडक्ट यूजर, अगर आप ए टू जेड प्रोडक्ट यूजर 100% कर लेते हैं तो लॉयल क्लब आपका आराम से जो है हो जाता है। और इसी चीज का अपने को जो है नेटवर्क तैयार करना है, जो गुरुदेव ने बताया कि 10 साथी आप करते हो तो आपका इतना वॉल्यूम होता है, 50 करते हो तो इतना होता है, 100 करते हो तो इतना होता है। और आप 6 महीने के अंदर जो रॉयल्टी का सर ने जो है एक नए व्यक्ति को आज ज्वाइन करवा के और वहां से आप अपने काम को बढ़ाते हो, तो विद इन 6 मंथ जो है आप रॉयल्टी का ये अपना ग्राफ जो है अचीव कर सकते हो, रॉयल्टी का टारगेट अपना जो है अचीव कर सकते हो। लेकिन ये होगा उसी का जो करेगा, और करने से जो है सब कुछ हो सकता है। जब इतने बड़े बड़े लेवल आ सकते हैं तो रॉयल्टी क्यों नहीं आ सकती है। और रॉयल्टी और जो तड़का सर ने बताया है कि लॉयल क्लब का, की सोल का और गामा का, 6 पिन का, 6 पीस गामा ओरिजिनल पे जो पिन मिल रही है उसका, ये सब मिक्स करके अगर तड़का लगाते हैं तो आप लॉयल क्लब प्लस हो जाते हैं। और फिर वीर विरंगना और वो सारी चीजें जो है आगे की चीजें हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो आपको जानकारी दी गई है वो द बेस्ट है सर। और इसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को समझ में आ गया। थैंक यू सर। दोस्तों, लॉयल क्लब सही मायने में कैसे होता है उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। सही मायने में लॉयल क्लब तब होता है, लॉयल क्लब का मतलब होता है वफादार, निष्ठावान खरीदार। वो तब होता है जब मैं, जैसा मैं करता हूँ, मैंने हमारे यहाँ पर एक पिकअप सेंटर है, ज्ञान जी का पिकअप सेंटर, जो कि मेरे अकाउंटेंट भी है और मेरे सामने ही पिकअप सेंटर है, लेकिन मैंने उनको एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा। स्टैंडिंग ऑर्डर, आपको स्टैंडिंग ऑर्डर देना अपने पिकअप सेंटर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है कि जो भी सामान आरसीएम में कभी भी नया आता है तो उसका सबसे पहला बिल मेरा कटना चाहिए, क्योंकि वो मेरी कामयाबी के लिए आ रहा है। अब उसमें यह नहीं पूछना कि प्रेशर कुकर चाहिए क्या। अरे, प्रेशर कुकर आरसीएम का आ गया बाजार का, हमारे घर में पहले है, 4 है 8 है 10 है 20 है, क्या मतलब है, उन्होंने कौन से मेरे घर में कामयाबी दिलाई है। अब आरसीएम का आ गया तो आरसीएम, भाई जूते मेरे 50 जोड़ी पड़े हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। आरसीएम में जूता जिस दिन आया, मेरे घर में पहला बिल मेरा जूते का कटना चाहिए। हाँ, लिपस्टिक मेरे घर में काम में नहीं आती है तो लिपस्टिक का नहीं कटेगा ना भाई। लेकिन जो चीज आपके घर में काम आ रही है, आप कहोगे साहब पुराने प्रेशर कुकर पड़े हैं मेरे घर में, तो अरे पड़े हैं, उनसे थोड़ी जिंदगी बनी तेरी। भाई पुराने जूते, भाई आपका घर क्या बिल्कुल खाली होना चाहिए क्या। अरे भरे हुए को ही भरा जाता है, इसलिए स्टैंडिंग ऑर्डर करो, फिर देखो आपका लॉयल क्लब नहीं होता। और अब एनिवर्सरी की बात करते हैं। जो भी साथी इस एनिवर्सरी में अपने आप को किसी सफलता के मुकाम पर देखना चाहता है, अपने आप का सेलिब्रेशन चाहता है, वो अपनी डायरी में नोट कर ले, आई वांट दिस, आज वो लिख ले और मैं उसको पूरा करूंगा। मैं यहां बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठे हैं, पर आप, मैं आगे की बात करूं, इससे पहले लिख लो, आई वांट माई रॉयल्टी, आई वांट माई एमरल्ड, आई वांट माई टेक्निकल, जो चाहो लिख लो, जो चाहो लिख लो, अपनी डायरी खोलो और पेन लिख लो, जादू का मंत्र देखना आज कि आप जो लिखोगे, आपको यार गुरुदेव को कैसे पता चला, आप लिखोगे मैं पूरा करवाऊंगा। लेकिन काले होके मत लिखो यार, चेहरे दिख, आपके चेहरे देखता हूं तो मेरे को प्रमोद जी का चेहरा दिखता है तो एनर्जी बढ़ती मेरी, आपका भी दिखेगा तो बढ़ेगी। थोड़ा घूंघट हटाओ भाई, ऐसे बिल्कुल गायब हो जाते हो तो मैं किससे बातें करूं। तो बिल्कुल सिंपल बात करेंगे, तो उसका नाम है, उस तरीके को आज मैं लॉन्च कर रहा हूं हिंदुस्तान में, ये नायाब तरीका, इस तरीके का नाम है 100 सक्सेस सेलिब्रेशन। जहां पर भी 100 सफलताएं तैयार होगी
उनका हम फिजिकली शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार और ऐतिहासिक और मतलब ब्लास्टिंग सोले सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? 100 सक्सेस की जिम्मेदारी कौन कौन पहलवान लेते हैं और 100 सक्सेस में किन किन को काउंट किया जाएगा उसको समझ लो। यानी नए लीडरशिप, अब जो नए निकलेंगे, आज मई का महीना चल रहा है, अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल तक जो निकले वो नए नहीं है, अब जो निकलेंगे वो नए हैं। मई से अगर आप 22 को काउंट करते हो तो मई नया है। नई रॉयल्टी, एनी रॉयल्टी, गोल्ड को स्टार गोल्ड बनाते हैं वो नई रॉयल्टी है, स्टार गोल्ड प्लेटिनम बनता है वो नई रॉयल्टी है। अब जो नए वीरांगना वीर में एक्चुअल वीर वीरांगना, फाउंडर नहीं, ये फोटो फाउंडर की लगा रखी है, लेकिन वो स्टाफ को नहीं मिली होगी तो फाउंडर की लगा दी, आज नहीं थी, मतलब एक्चुअल वीर और एक्चुअल वीरांगना जो बनेंगे, इस तरह की संख्या 100 चाहिए। अभी 100 नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आगे और देते हम 48 पीस गामा और इंदो। और कुछ अब मीटिंगों का पैटर्न बताऊंगा मैं जो इसमें काउंट होगी, क्योंकि उनकी भी ट्रॉफी मिलेगी, क्राउन डायमंड क्लब, पायनियर, ये भी बताऊंगा, स्टार डायमंड क्लब। और इसके लिए जो पैटर्न है डेली मीटिंग का, ये डेली मीटिंग का पैटर्न मैं आगे आपको सिखाऊंगा, इससे क्या फायदा होता है, किस तरीके से होता है। ये मैंने इसलिए बताया कि इसमें जो ये आपको कहीं पर हेल्दी आर्ट मिशन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग 150 पीपल की दिखाई दे रही, इस एक हर मीटिंग की ट्रॉफी मिलती है 150 लोगों की, इसका साइंस आगे सिखाऊंगा मैं आपको। ये ट्रॉफी जो भी रॉयल्टी अचीवर, ये केवल रॉयल्टी अचीवर के लिए है, जो रॉयल्टी अचीवर 150 लोगों की जूम मीटिंग कराता है उसको ट्रॉफी मिलेगी। ये पूरा विन विन गेम कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो तरीका है ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम करेगा और टीम डेवलपमेंट पे भी काम करेगा, आपका भी विकास करेगा और टीम का भी विकास करेगा, तो इसका संतुलन बना रहेगा। ये तरीका कंप्लीट विन विन काम करेगा, इसमें किसी का कोई तरह का नुकसान नहीं हो सकता, फायदा ही फायदा होगा। और ये सेलिब्रेशन जो होगा फिजिकल और मोस्ट पावरफुल सेलिब्रेशन होगा। अब इस सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी कौन कौन ले सकते हैं? वैसे तो स्टार पर्ल भी ले सकते हैं, स्टार पर्ल के लेवल के लीडर ले रहे हैं और ले सकते हैं, लेकिन स्टार पर्ल मान लो नहीं ले पाते हैं तो एमरल्ड ले सकते हैं, स्टार एमरल्ड ले सकते हैं, इससे ऊपर वालों के लिए ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस लेवल का है जहां पर एक एमरल्ड अपनी टीम में ये प्रोग्राम कराने की जिम्मेदारी लेगा, यानी 100 लोगों को सफलता दिलाने की जिम्मेदारी लेगा, 100 लोगों को सफल बनाने की जिम्मेदारी लेगा, 100 लोगों का सेलिब्रेशन करवाने की जिम्मेदारी लेगा, 100 लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा। 6 पैक जो यहां आपको दिखाई दे रहे हैं ये जिम में तैयार नहीं होते हैं, ये जिम में जाने से, जिम की मशीनें उठाने से, जिम का बोझ उठाने से शरीर में से बाहर आते हैं, ये जिम में मिलते नहीं है, ये जिम में मिलते नहीं, अंदर से निकलते हैं जब आप बोझ उठाते हो, तो ये बोझ उठाओगे तो आपके भी 6 पैक यानी सफलता की 6 फिगर इनकम आपके खाते में आएगी। लेकिन ये बोझ कौन एमरल्ड उठाता है, कौन? और इसकी सिंपल साइंस जो शायद ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है, बिल्कुल सरल और सरल, मैं विज्ञान का विद्यार्थी, मैं अध्यात्म का विद्यार्थी, बिल्कुल कुदरत का नियम है, जो बहरा होता है वो गूंगा होता है, यानी जिसके कानों में जो चीज नहीं जा रही वो उसकी जुबान पे नहीं आ सकती। मैं चाइनीज कभी बोलता ही नहीं हूं क्योंकि चाइनीज मेरे कानों में कभी गई नहीं, तो मैं चाइनीज में बहरा हूं इसलिए चाइनीज में गूंगा हूं, मैं आरसीएम में भी बहरा हो जाऊंगा तो आरसीएम का ही गूंगा हो जाऊंगा। ये बहुत सिंपल साइंस है, जो जो चीजें आपके कानों में नहीं जा रही है वो आपकी जुबान से नहीं निकलेगी। भगवान का बनाया हुआ नियम है कि जो बहरा है वो गूंगा होता है, क्योंकि उसके कानों में कोई शब्द गया ही नहीं तो कोई सा भी शब्द वो बोलेगा कैसे, उसको क्या पता। तो इस साइंस को फायदा उठाने के लिए आपको ये मीटिंग सेशन डेवलप करना है, क्योंकि मैंने अभी, मैं जब फील्ड में गया, प्रैक्टिकली गया मैं, तो 2.5 साल से पहली बार गए तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि गामा और इंदोल क्या है, बड़े बड़े लीडरों को पता नहीं है,
और उनके और अब देखा कि वो मीटिंगें करा रहे हैं और कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब उसके बाद में अभी मैं वहां गया छिंदवाड़ा बेल्ट में, मिस्टर अशोक हैं, मिस्टर डॉक्टर वो जो डॉक्टर वंदे नागपुर में, मतलब इतना कमाल का काम करने वाले लोग हैं। लेकिन उन्होंने कभी गामा की कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, उनको सौभाग्य नहीं मिला, तो उन्होंने गामा के बारे में सीखा नहीं, समझा नहीं, 2.5 साल में वो गैप हो गया। लेकिन यहां मैं एक प्रैक्टिकल रिजल्ट बताऊंगा। ये मिस्टर जितेंद्र सक्सेना जो कि सीमेंट प्लांट में चीफ इंजीनियर है और इनकी पोस्टिंग है कच्छ भुज में, और इनका बिजनेस है सतना में जो कि 3,000 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तो ये बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि वहां सीमेंट प्लांट में इंजीनियर है खुद मेन, बड़ा अफसर है, 3 लाख रुपए महीने की सैलरी है। तो लेकिन यहां पर ये डेली सुबह सा, और मैंने इनसे सीखा, मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा यार डेली मीटिंग मत कराओ यार, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इन्होंने तरीका बताया मेरे को कि सर इस मीटिंग से हमने मीटिंग में बैठकर सबका गामा और इंदोल उसी मीटिंग में उनसे खुलवाते हैं और उसी मीटिंग में उनको खिलाते हैं, उनके मुंह में सबको स्क्रीन ऑन करके हमने 25 से चालू किया, 75 तक पहुंच गए, 75 लोग खाने लगे पर डे। और उस मीटिंग को हमने एक तरीका और दिया कि आप पेशेंट के घर में जाके बैठ जाओ। उनका मेरे को 8:30 बजे सीमेंट प्लांट में जाना होता है, तो मैं 7 बजे 25 लोगों का 6 पीस करा के जाता हूं। मैं कहा जाओ पेशेंट के घर बैठो और पेशेंट को वीडियो दिखाओ, आप समझाओगे नहीं समझाओगे। तो लोग मरीजों के घर चले जाते हैं, उनको वीडियो दिखाते हैं और लोग रोज नए टेस्टिमोनियल आते हैं, कल की रिपोर्टें आती है, कल की सेल के आंकड़े आते हैं, रोज नए काम होता है। तो रोजाना बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहां से मैंने सीखा डेली मीटिंग डेली बिजनेस। और रॉयल्टी अचीवर को अवार्ड मिलता है तो रॉयल्टी अचीवर तैयार होता है, तो रॉयल्टी अचीवर क्योंकि रूल कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो चर्चा में रहता है वो बिकता है, तो इस पे भी काम होता है। ये मैंने आपको क्योंकि 100 सफलता के लिए जो चीजें करनी हमें वो उसके मोस्ट पावरफुल सेलिब्रेशन होगा। हाँ अब ये सेलिब्रेशन होगा सबका सेलिब्रेशन, यानी 6 पीस वालों का भी होगा, 12 का भी होगा, डायमंड क्लब का भी होगा, सुपर डायमंड क्लब का भी होगा, लेकिन उनको 100 की काउंटिंग में नहीं लेंगे, 100 की काउंटिंग में जो बड़े प्राइज है वो ही आएंगे। और ये काम हम 1 महीने में कर सकते हैं, जो बिल्कुल जाबाज लीडर है वो 1 महीने में कर सकता है, कोई 2 महीने में कर सकता है, और मैक्सिमम टाइम पीरियड है 3 मंथ। मतलब 3 महीने में आपको, 1 महीने में आपने 30 सफलताएं तैयार कर ली, अगले महीने में 20 कर ली, अगले महीने में 40 कर ली, आपका पूरा कोटा हो गया, 100 पूरी हो गई। तो 100 इससे आपका स्टेशन डेवलप हो जाएगा, इससे कंप्लीट एरिया डेवलप हो जाएगा, इससे आपकी पूरी टीम डेवलप हो जाएगी, और इससे आपकी गारंटी है कि आपका एक बड़ा फंक्शन आपके बिजनेस में तूफान ला देता है। बस ध्यान रखना है कि 100 लोगों के हाथ में ट्रॉफी जानी चाहिए और ट्रॉफी हर किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, होम मीटिंगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, शोधा प्लान बढ़ाने पड़ेंगे, जंपिंग थ्रू विंडो पे काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क बढ़ाना पड़ेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग जो संख्या का खेल है उसमें जीत के दिखाना होगा। प्रिंसिपल कहता है कि 100% लोगों को 100% बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन 100 कामों में 1% ग्रोथ रोजाना करें तो रोजाना का ये फार्मूला आपके लिए काम करेगा। बिल्कुल भाई, कुछ लोग नए लीडर तैयार करेंगे, कुछ क्राउन डायमंड करेंगे, कुछ स्टार डायमंड करेंगे, कुछ गामा पे काम करेंगे, कुछ की सोल पे काम करेंगे, और कुछ लोग मतलब ये वीरांगना पे काम करेंगे। इस तरह से ये चीजें काम करेगी, और 1% से 100% हमारे को तो रिजल्ट 100% चाहिए। इसको पक्का करने के लिए हमने क्या किया है, रोड में बनाया इसको सक्सेस करने के लिए, और ये भी मेरा प्रैक्टिकल अजमाया हुआ फार्मूला है, क्योंकि जिन्होंने इस तरीके से किया उनका गारंटी सफलता हुई। क्योंकि इतने बड़े अभियान को सक्सेस बनाने के लिए लीडर चाहिए, लीडर का निर्माण बिजनेस का निर्माण है। पिलर मजबूत होगा तो ऊपर से सब कुछ निकल सकता है, पिलर कमजोर होगा तो, जहां का लीडर मजबूत होता है वहां का, और टीम में लीडर पैदा करना बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि ये काम रातों रात नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे ही होता है। उसके लिए हमने बनाया डिजिटल सपोर्ट, वो जो आप फिजिकल सेलिब्रेशन, और इसके लिए सपोर्ट बनाया डिजिटल सेलिब्रेशन। डिजिटल सेलिब्रेशन का एक नया मॉडल बनाया, फुल डे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम।
जिसमें चाय का ब्रेक भी होगा, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट भी होगा, डिजिटल में फुल डे चाय पिलाएंगे हम आपको, लेकिन आपको आपके घर की पीनी है, मेरे को मेरे घर की पीनी है, क्योंकि डिजिटल होगा। मैं चाय कैसे भेजूंगा डिजिटल में? ब्रेक होगा, एंटरटेनमेंट होगा, डांस होगा, सब कुछ होगा। और ये डिजिटल कब करेंगे? जब आप 250 मिनी सफलताएं तैयार कर लेंगे। जैसे जैसे आप 250, ये ऑल इंडिया लेवल का होगा, 250 सफलताएं तैयार करते जाओ, एक फुल डे का एनडीपी आपकी बैटरी चार्ज कर लेंगे 250। इसमें इस प्रोग्राम का प्रमोशन होगा, ये 250% आपको अलग अलग छोटे, जैसे 6 पीस वाले हो गए, 12 वाले हो गए, 24 वाले, 48 वाले हो गए, नए डायमंड क्लब हो गए, नए वीर क्लब हो गए, नए नए वाइटल निकले। सक्सेस आदमी को ही इसमें बैठने का मौका देना है, ताकि लोगों का डेली गोल बना रहेगा, डेली का रोल बना रहेगा, डेली वर्किंग रहेगी, डेली मतलब हर बार 250 में आने की गणित में लोग लगे रहेंगे, तो ये आपके पास होगा। ये सारा तरीका अभी तक का, मेरी बात समझ में आ गई सर? हाँ प्रमोद जी, राकेश जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार चल रहा है सर। हाँ अब आऊंगा मैं फिर अभी, क्यों देखो मैंने आज कितनी अध्याय ले ली है, इस सारे अध्याय को अब मैं फिर एक नया अध्याय जोड़ रहा हूं कि ईश्वरीय योजना क्या है, गॉड प्लान क्या है, और गॉड प्लान कैसे काम करते हैं, और गॉड प्लान में कैसे जादू होता है, वो चीजें मैं आज आपके बीच में रखूंगा। ये मुझे पता चला जब 25 मई को, देखो मैं डिजिटल का आदमी नहीं हूं, मैं फिजिकल का आदमी था, 19 साल से फिजिकली मीटिंगें कर रहे थे, डिजिटल जिंदगी में कभी नहीं की, मैं जूम क्या होता जानता ही नहीं था, मैं जूम मतलब मैं कुछ नहीं जानता था इस तरह के, लेकिन भला हो कोविड का हमें ये सीखना पड़ा और हमने ये सीखा और आज स्टूडियो डेवलप किया हमने। और 25 मई को मेरे को गामा और यूनिक एजुकेशन के सिस्टम पे आना था, पहली बार ये मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे लाइव आया, और लाइव आया तो मेरी जुबान से निकला 5 करोड़ लोग गामा और दोस्त, यहां मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा ये 5 करोड़ क्यों निकला? इट मींस गॉड का कोई प्लान है और गॉड प्लान मुझसे कुछ करवाना चाहता है, और मैं जानता हूं कि जब ईश्वर कोई प्रेरणा देता है तो मदद के हाथ भी वही देता है और विचार का साथ भी वही देता है। ये प्रैक्टिकली मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है, मैं इसमें अपने आप को बीच में नहीं लाता हूं कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करता हूं, मेरे से करवा रहा है और मेरे माध्यम से हो रहा है, इसलिए मैं हटता नहीं हूं। मतलब लोगों को क्या लगता है कि यार मैं कर रहा हूं तो हट जाते हैं, मैंने कहा मैं कर ही नहीं रहा हूं, वो करवा रहा है, मैं तो झंडा लेके खड़ा रहना है बस, ताकि नाम अपना हो जाएगा। भाई झंडे को मत छोड़ो, आप कोई भी चीज पकड़ो तो झंडे को क्यों छोड़ रहे हो? भाई करेंगी दुनिया, नाम आपका हो जाएगा फोकट में। तो झंडा मैंने पकड़ा 5 करोड़ का, मैंने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ में पकड़ा दिया गया, और उस 5 करोड़ पे काम कैसे हुआ और उस बात को गहराई से समझना, कैसे ईश्वर मेरे पास विचार देता है, और इस प्रोडक्ट को आज मैं आपको बिल्कुल नए एंगल से समझने के बारे में बात कर रहा हूं। आज पूरा व्यू ऑफ एंगल आपको चेक करना है, क्योंकि जब इस बार मैं फील्ड में गया तो मेरे को बहुत चमत्कारिक परिणाम, चमत्कारिक रिजल्ट, चमत्कारिक आंकड़े सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा लेकिन उसका फील्ड में असर नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर मैंने यह हाई पोटेंशियल, मतलब इससे ज्यादा पोटेंशियल का कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप किसी भी प्रोडक्ट को रख लो यहां पर, आगे 5 करोड़ लिखो, आपके अंदर से आवाज आएगी, अरे ये तो बेमेल जोड़ी है, ये कौन से 90 साल के लड़के के साथ 16 साल की लड़की खड़ी कर दी, ऐसी 5 करोड़ सूट करता है केवल गामा ओरिजिनल के साथ। और उसके पीछे लॉजिक है, आज भारत में 80 करोड़ लोगों के दवाइयां चल रही है, 55 करोड़ का 2016 का गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लेकिन कोविड के बाद का ये 80 करोड़ लोग हैं जो दवाई, 12 करोड़ लोगों को थायराइड है, पता नहीं 8 करोड़ लोगों को क्या है, मतलब वो आंकड़ा बड़ा खतरनाक है, वो हम कभी डिटेल में जाएंगे, पर 80 करोड़ लोग दवाइयां ले रहे हैं, और आपके पास एक ऐसा सिंपल प्रोडक्ट है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, उसको जाके बोलना है कि भाई दवाई छोड़ने में रुचि है क्या, क्या आप दवाई छोड़ना चाहते हो क्या, तो कोई भी एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा नहीं साहब दवाइयां तो नहीं छोड़ते, बस दवाई छोड़नी है तो दवाई ऐसे नहीं छूटेगी, आपको पहले दवाई के साथ इसको लेना है, और दवाई के साथ लेते लेते आपको चेक कराते रहना, आपकी दवाई कम होती जाएगी, धीरे धीरे दवाई छूट जाएगी। तो आप दवाई छुड़ाने के नाम पर अगर गामा और इंदोल जिस भी बीमारी में देना चाहो दोगे, तो धीरे धीरे लोगों की दवाइयां छूट जाएगी और आपकी बिक्री का ग्राफ बढ़ता जाएगा।
नंबर वन, आज तक वर्ल्ड लेवल पे स्टडी किया मैंने, इतने बड़े 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 नामी गिरामी डॉक्टर किसी प्रोडक्ट को एडवाइस, अभी मैं टीवी देख रहा था तो एक्सपर्ट की राय बोल रहे थे वो, लेकिन वो एक्सपर्ट किराए का आदमी था, डॉक्टर नहीं था, खाली सफेद कपड़े पहन के आ गया था। मतलब वहां सफेद कपड़े पहने हुए एक्सपर्ट, एक विज्ञान, एक विज्ञापन वाला आदमी होता है, लेकिन यहाँ पर रियल डॉक्टर, इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर, हर बीमारी के डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके प्रोडक्ट के बारे में आके इस सारे को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। फर्क हमारा दोष कहीं नहीं है, कानों में जो कम जा रहा है वो जुबान पे कम आ रहा है। 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, हृदय रोग के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक की राजधानी बनने के कगार पर है, डायबिटीज की राजधानी हम बन चुके हैं, फिर भी हमारा विजन और मिशन क्लियर नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुने इस सेंटेंस को, जो कुदरत के संदेश को नहीं समझता है कुदरत का आशीर्वाद उसको नहीं मिलता है, उस कुदरत का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो कुदरत के इशारों को, कुदरत के तौर तरीकों को समझ जाता है। और मैं कुदरत के तौर तरीकों को, इशारों को समझ लेता हूँ, इसलिए भरपूर आशीर्वाद लेता हूँ। और कुदरत कहती है कि जो बहरा होता है वो गूंगा होता है, ये लाइन मेरे को जैसे ही क्लिक हुई, जैसे अंदर की सारी बत्तियां जल गई, मैंने कहा यार मीटिंग का सिस्टम बनाओ। और हमने एक पॉलिसी बना दी कि भाई जो भी 150 लोगों की मीटिंग कराएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन ये रॉयल्टी अचीवर के लिए, और टेक्निकल अचीवर के लिए 500 लोगों की उसका अवार्ड बड़ा हो गया। इस तरीके से हम देश को रोग मुक्त बना सकते हैं, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूं उसका प्रूफ चाहिए। फिर आपके पास कोई भी बीमारी हो, अरे आदमी गामा और इंदोल दे रहे हो मतलब उसकी खर्चा नहीं करा रहे हो, उसकी हजार गुना बचत करा रहे हो। वो इतनी दवाइयां आज ले रहा है, सुबह थायराइड की, दिन को बीपी की, शाम को उसकी, दिन को उसकी, उसको बोलो सब लो, लेकिन साथ में एक ये गामा और इंदोल लो, ये धीरे धीरे सब छूट जाएगी। तो उसका तो पैसा बचा दिया आपने, पर हाइएस्ट रिटेल प्रॉफिट है गामा और इंदोल, हाइएस्ट रिटेल प्रॉफिट है और रिटेल प्राइस पे बिकता है और हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम है। इतना ही नहीं, बिजनेस की बात करेंगे, हाईएस्ट रेफरल सेल है। अगर आप इस किताब का सहारा लेते हो, पहले कस्टमर को अगर आपने किताब फ्री दे दी, आपको इतना प्रॉफिट है, 30 रुपए किताब है, तो मैं आपको गारंटी करता हूं जिसको आपने पहली बार दिया है वो आपके डाउट करता है, उसका नेचर है डाउट करना चाहिए, लेकिन किताब पे डाउट नहीं करता। आप उसको कोई एक किताब जरूर पढ़ लेना आप, क्योंकि मैं उतना नहीं समझा सकता, ज्यादा ज्ञानी आप मत बनो, किताब को बनने दो, कि ये किताब जरूर पढ़ लेना। उसको 15 दिन में जैसे ही फायदा होगा, उस किताब को भी पढ़ चुका बिलीव के साथ, तो लेगा यार मेरे को तो जोरदार चीज मिल गई, मेरा बीपी ठीक हो रहा, तू भी चालू कर दे, वो आपका सेल्समैन बन जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान को फायदा और वो चुप रह जाए। अरे फिल्म देख के आप चुप नहीं रहते, तो फायदा इतना बड़ा होगा कि यार मैं 20 साल की बीपी की दवाई, मेरा मामला ठीक हो रहा, मेरा शुगर का मामला ठीक हो रहा है, और मेरे पास किताब भी है, तू भी लेना चाहे तो ले ले भैया। अपने दोस्तों को बताए बिना, अपने साले को बताए बिना, अपने जीजू को बताए बिना, अपनी साली को बताए बिना कौन रह सकता है कि मेरा थायराइड ठीक हो रहा है, तुम्हारा भी हो सकता है। मेरी 100 mg की टेबलेट गई है, बस ये किताब चाहिए, ये किताब आपकी भुजा है। अरे जब देवताओं के 100 भुजाएं हो सकती है, आप भी लगाओ भुजा, थोड़ी सी टेक्निक सीखो। और हाईएस्ट इजी सेल है, इजी सेल, इसके आंकड़े भी आपको दिखाता हूं। मैं अभी अमरावती था, और अमरावती में 28 मार्च को मैंने मीटिंग ली थी, और मेरी मीटिंग से इस आदमी ने 910 पीस इसने और 226 पीस इसकी पत्नी ने सेल की है। इनका सेलिब्रेशन मैं करके आया, इस बिना ट्रेनिंग के, बिना ट्रेनिंग के इस तरह की वंडरफुल सेल अगर किसी प्रोडक्ट से हो सकती है तो उसका नाम है गामा और इंदोल। इनके रिजल्ट, इनका कारण है, इनके घर में 4 लोगों को फायदा हुआ तो ये जादूगर बन गए, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, 4 लोग प्रमाण है घर के, और बिना बेचे कैसे बिकता उसका भी प्रमाण है। और उस मेरी मीटिंग में, ये तो था मार्च का आंकड़ा, अप्रैल में मैं जब 16-17 अप्रैल को अमरावती में सेलिब्रेशन के लिए गया, तो इस व्यक्ति ने 1500 पीस का संकल्प लिया। उसने कहा सर मैं आज का आज बिल भेजता हूँ पुस्तक डिपो पे, 720 पीस मिले वो लिए, फिर 1150 ले लिए, और अभी आज इसका फोन था मेरे से 2000 और ले रहा हूँ, 1500 तो मेरे ये खत्म हो जाएंगे और नए 2000 और लेने वाला हूँ।
हालांकि मैंने इससे बहुत कुछ जानने की कोशिश की लेकिन उतना डिटेल तो नहीं बता पाया, लेकिन ये पता चला कि ये कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग समाधान के लिए इसके पास आते हैं और ये समाधान के रूप में गामा ओरिजिनोल दे देता है सबको, जो भी इसका तरीका है। हमने काफी खोजबीन करने की कोशिश की लेकिन 1500 एक बार बेचना और 2000 फिर और लेना, ये कमाल गामा ओरिजिनोल के अलावा कहीं नहीं हो सकता। ये बेमिसाल कहानी और कहीं नहीं बन सकती। दोनों अत्री जी की टीम में, मोरेश्वर जी की टीम में, और ये मैं डॉक्टरों की डिटेल बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, हाईएस्ट टेस्टिमोनियल है, हाईएस्ट टेस्टिमोनियल। अब तक 1000 डॉक्टरों को ये दोनों डॉक्टर ठीक कर चुके हैं, दोनों डॉक्टर हैं, 1000 पेशेंट को ठीक कर चुके हैं, हाईएस्ट टेस्टिमोनियल। आपको जितने चाहिए मिल जाएंगे। और मिरेकल रिजल्ट की बात करूं मैं तो लकवे के पेशेंट से लेकर इतने में, क्योंकि हाईएस्ट मीटिंग भी शायद मेरे को ही मिली है गामा ओरिजिनोल की लोगों के साथ मिलने का, तो हाईएस्ट मिरेकल रिजल्ट, ऐसे ऐसे मिरेकल रिजल्ट जिनके बारे में सुनने के बाद, देखने के बाद भी भरोसा नहीं हुआ। अब कल की, अब कल शाम की मीटिंग में एक व्यक्ति बिल्कुल 8 महीने के बच्चे के साथ बैठा हुआ, 8 मंथ के बेबी के साथ में, और पूरी मीटिंग में बेबी को बिठा रखा, वीडियो ऑन। उसने मीटिंग के बाद बताया कि मेरे को डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था कि आपके बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन गामा और ओरिजिनोल का कमाल है, ये मेरी गोद में 8 महीने का बच्चा है, इसका नाम भी मैंने गामा ही रखा है। उसका भी साइंटिफिक प्रूफ मिलेगा आपको, वो भी आप ही की टीम में है। तो बिल्कुल मतलब ऐसे मिरेकल रिजल्ट के, लकवे के तो 100-200 लोग ठीक कर दिए। बिलवाड़ा में एक व्यक्ति का पांव कटने वाला था, व्यक्ति नहीं मतलब हमारे रिलेटिव का पांव कटने के लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका शुगर की वजह से ये पांव पॉइजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको गामा ओरिजिनोल दिया, शुगर कम हुई, उनका पांव का ही गांव हील हो गया, आज पूरे साबुत एकदम शानदार, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम वो ठीक हो गई। और एक और आंकड़ा आपको देखना है तो ध्यान से देखना पड़ेगा, अब तक पूरे RCM में हाईएस्ट डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के प्रोग्राम करता हूँ, डॉक्टर सेलिब्रेशन के प्रोग्राम किए मैंने, डॉक्टर्स मीट प्रोग्राम किए मैंने, तो डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग अगर हुई है तो वो गामा ओरिजिनोल की वजह से हुई है, और दूसरा डॉक्टर अगर बिजनेस में टिके हुए हैं तो वो गामा ओरिजिनोल की वजह से, और हाईएस्ट केमिस्ट की ज्वाइनिंग आप करा सकते हो। ये मौका है आज आपके पास, क्योंकि ये मौका सबके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं छूटेगा, क्योंकि उनके बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं। अब उनको तो बस वो एक किताब है मेरी वो दिखाते ही, और आयुर्वेद के डॉक्टर, मेरे पास एक ऐसा डॉक्टर है जो उसके मरीज को, उसकी क्लिनिक पे कोई भी मरीज आएगा तो उसको गामा ओरिजिनोल कंपल्सरी देगा है, अपनी कोई भी दवाई के साथ, वो कहते हैं हर दवाई की ताकत बढ़ा देता है, तो आयुर्वेद के डॉक्टर। और दूसरा अल्टरनेटिव थेरेपी के डॉक्टर, जो कि पहले कभी न्यूट्रिशन की बात ही नहीं करना पसंद करते थे, चाहे वो नेचुरोपैथी के हो, चाहे एक्यूप्रेशर के हो, वो बिल्कुल लाइक नहीं करते, वो लोग खुद अपने परिवार को दे रहे हैं और खुद बेच रहे हैं। और हाई साइंटिफिक स्टडीज, आपको एक ट्रक साइंटिफिक स्टडी चाहिए, जापान की चाहिए, अमेरिका की चाहिए, चाइना की चाहिए, लंदन की चाहिए, जहां की चाहिए, ब्राजील की चाहिए, उस कंट्री की साइंटिफिक, 70 देशों की, 70 सालों की साइंटिफिक स्टडीज अगर किसी प्रोडक्ट में मिलेगी, उसका नाम है गामा ओरिजिनोल, एक ट्रक आप ले सकते हो। और प्राइस की जहां तक बात करें, हम तो प्राइस के कंपेरिजन दिखाते नहीं, ये चमन्नी वाले, ये चमन्नी से चमन्नी का फर्क है, लेकिन यहां का फर्क देखो आप, ये फर्क दिखाई नहीं देता, ये कमाल दिखाई नहीं देता। और न्यूज़पेपर में आज तक अगर किसी प्रोडक्ट की खबर मिली होगी तो वो इसलिए मिली होगी कि प्रोडक्ट में कुछ पकड़ा गया, अदरवाइज न्यूज़पेपर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करता है, विज्ञापन जरूर दे सकता है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर न्यूज़पेपर वाले लिखे अपनी जगह खराब करें। लेकिन गामा ओरिजिनोल आपको किस अखबार में चाहिए, हिंदी में चाहिए, लोकल में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए, तमिल में चाहिए, उसके ऊपर भरपूर डॉक्टरों ने लिखा है। और अब आ जाते हैं सीधे बिजनेस की बात में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस क्लोजिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस क्लोजिंग, ये तब हो रहा है जब किसी ने इस पे काम नहीं किया। लेकिन मैं अब आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस क्लोजिंग का आंकड़ा दे रहा हूं, वो है मिस्टर मोरेश्वर
फरवरी में था इनका एमरल्ड, टीम एस अथरी जी, और इनकी डाउन में रूबी और स्टार एमरल्ड है। 28 मार्च को मेरी मीटिंग हुई, 28 मार्च को मेरी मीटिंग हुई, चार दिन बाकी थे, और ये डिटेल उन्होंने भेजी है मेरे को कि ये मेरे बाद का सारा काम है, जिसमें 1200, 910, 226। और ये अगर आप इसको बिजनेस को चेक करेंगे तो ये 25 लाख का बिजनेस है, 48 लाख के बिजनेस में 25 लाख, ये इनके खुद की पर्सनल भी इसमें आ गया, मतलब इनकी पत्नी का है शायद कहीं, तो यानी 25 लाख का बिजनेस अगर गामा और इंदौल की क्लोजिंग करवा सकता है 6 पीस 1200, इससे बेस्ट क्लोजिंग का कोई एग्जांपल बिजनेस क्लोजिंग का मेरे पास और बहुत सारे एग्जांपल है। मिस्टर महावीर शर्मा सितंबर में उसको स्टार पल करना था, आखिरी के चार दिन बचे थे, मैंने कहा 6 पीस गामा और इंदौल का को पूरी टीम में रॉयल्टी को बांट दे 20-20 का टारगेट, और स्टार पल हुआ चार दिन में। और अब और बेस्ट क्लोजिंग का आत्माराम जी मेरे को बोला कि सर मैंने गामा पे कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई, एक भी ट्रेनिंग नहीं करवाई, लेकिन मेरी सेल का ग्राफ है इस तरह से है। मैं चूंकि मेरे पास में थाईलैंड का टारगेट था, मैं खूब ट्रेनिंग करवाता था न्यूट्री चार्ट की, लेकिन फिर भी मेरे पास गामा और इंदौल की सेल है, तो वो आंकड़े उन्होंने बताया। मैंने कहा आप मेरा तरीका सीखो बाप, मैंने तरीका बताया तो उन्होंने कहा सर आप खुद ही मीटिंग करो। 24 अप्रैल को मैंने मीटिंग करी इनकी, 6 पीस 300 लोगों ने किया, लेकिन इन्होंने अब ट्रेनिंग की डेटे लेना शुरू कर दिया 500 लोगों की, और 6 डेटे ये बुक करा चुके हैं। और इस महीने इन्होंने कहा मैं 1200 से कम एक भी आदमी नहीं होगा, लेकिन आप 1000 लिख लो, पूरे हिंदुस्तान को दिखा दो, मई के महीने में मेरे 6 पीस वाले 1200-1000 लोग होंगे गारंटी से। ये किस तरीके से काम करता है और क्यों काम कर लेता है, जैसे ये गिलास है पत्थरों से भरी हुई है, नो प्रॉब्लम, रेत जाने की जगह फिर भी मौजूद है, कितनी भी भर दो तो भी रेत तो फिर चल जाएगी, और आपने रेत से पूरी भर दी, ऊपर से लबालब भर दी, फिर भी पानी तो फिर चला जाएगा। 6 पीस 6 पीस क्यों बोला मैंने, 6 पीस वो पानी है जो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एडिशनल बिजनेस वॉल्यूम लेके आता है। लेकिन तरीका क्या है, मोर मीटिंग मोर बिजनेस, कानों में नहीं जाएगा तो जुबान पे नहीं आएगा, उसका भी आंकड़ा देता हूं मैं आप। ये ज्यादातर लोग मेरी मीटिंगें 20 तारीख के बाद ही लेते हैं, अब उसका आंकड़ा और प्रमाण दे रहा हूं आपको मैं कि जब कानों में नहीं जाएगा तो जुबान पे नहीं आएगा। जो गूंग बहरा है वो गूंगा होगा, ये रूबी अचीवर है और मोरेश्वर जी के मुकाबले तो ज्यादा बड़ा बिजनेस है, ज्यादा बड़ी टीम है, ज्यादा सक्सेसफुल पीपल है, ज्यादा एक्टिव लीडर है। इन्होंने 25 मार्च को मेरी मीटिंग कराई, लेकिन उस मीटिंग का विषय गामा और इंदौल नहीं था, उस मीटिंग का विषय सेलिब्रेशन था। और लेकिन मैंने परमात्मा से बात की, मैंने कहा मैं सेलिब्रेशन के लिए, मैं तो डेकोरेशन का आइटम आ गया, मैं तो गेस्ट आर्टिस्ट हो गया, फिर मेरी मीटिंग का जादू कहाँ हुआ गुरुदेव? तो ऊपर वाले ने कहा तुम्हारा टॉपिक आ जाओ, 6 पीस गामा और इंदौल पे बोलना शुरू किया। ये इतना सा काम 6 पीस पे हुआ, लेकिन ये इतना सा इसलिए हुआ क्योंकि पूरे 2 महीने में इनकी टीम में गामा और इंदौल की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अगर 2 महीने में मोरेश्वर जी की टीम में गामा की ट्रेनिंग थी, उसको बिजनेस में मैंने कन्वर्ट कर दिया या मेरी मीटिंग ने कन्वर्ट कर दिया, इनकी टीम में चूंकि ट्रेनिंग नहीं थी तो मेरी वही आवाज 28 मार्च को जो काम कर पाई वो 25 मार्च को नहीं कर पाई, क्योंकि आंकड़ा वो नहीं बैठा, क्योंकि मोर मीटिंग मोर बिजनेस, विन विन गेम तब बनता है। लेकिन अब डेली बिजनेस का ये डेली वीर वीरांगना का तरीका क्या है, डेली मीटिंग करो, डेली मीटिंग इसका मतलब डेली बिजनेस। तो जो डेली मीटिंग से यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसे 100 गुना रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल मिल जाएगा। मोर मीटिंग मोर बिजनेस का अब प्रमाणिक आंकड़ा और दे रहा हूं मैं आपको, मिस्टर राजेश कोंडे स्टार एमरल्ड, पूरे महीने में 5 मीटिंग मेरी हुई और 5 मीटिंग गामा की ट्रेनिंग हुई। मेरी मीटिंग का मतलब कॉमर्शियल मीटिंग, गामा की ट्रेनिंग का मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग। 6 पीस 400 लोगों ने किया, 1200-1500 ने किया, 2490 ने, और ये सब प्रमाणित आंकड़े हैं क्योंकि मैं सेलिब्रेशन करके आया। 48 किया, 111 ने किया, 151 ने किया, परिणाम क्या, 40 वाइटल, 8 स्टार लीडरशिप, 23 रॉयल्टी, 1 स्टार एमरल्ड और 1 एमरल्ड फाइनल। ये बड़े आंकड़े। अब मैं चूंकि रॉयल्टी अचीवर पर मैं फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक एक एक रॉयल्टी अचीवर जवाबदार नहीं बनेगा,
एक एक रॉयल्टी अचीवर 150 लोगों की मीटिंग कराने की जवाबदारी नहीं लेगा, बिजनेस रूट पे खड़ा नहीं होगा, और बिजनेस रूट पे खड़ा नहीं होगा तो वो ऊपर ऊपर की बातें होती रहेगी। इन मीटिंगों में हम 1000 लोग भले ही हो गए, 1000 हमें बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमारे पास लोग लाखों में है, लाखों तक हमारी आवाज नहीं गई है, लाखों तक हमारी बात नहीं गई है। तो बिल्कुल रॉयल्टी अचीवर मान सिंह, इसने फरवरी में बात शुरू हुई और फरवरी में बिजनेस जीरो था, मार्च में मेरी केवल एक मीटिंग हुई, इनकी रिक्वेस्ट आई, दो गामा की ट्रेनिंग हुई। रॉयल्टी अचीवर की टीम में 20 लोगों ने 6 पीस किया है। अगर एक रॉयल्टी अचीवर 20 लोगों से 6 पीस करवा सकता है तो हर रॉयल्टी अचीवर करवा सकता है। ये ना इतनी बड़ी फिगर है, ना इतना बड़ा आंकड़ा है, ना इतना टफ काम है, ना इसमें कोई टफ चीज है जो उसके लिए कोई और कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन मोर मीटिंग मोर बिजनेस, आधा घंटे की ट्रेनिंग होती है। ये दो ट्रेनिंग एक मीटिंग, बिजनेस मीटिंग, बिजनेस मीटिंग का मतलब है मेरी मीटिंग। और दूसरा ये किताब जो डॉक्टर बुक के नाम से फेमस है, जिसके पास भी रख दोगे वो लेगा, और इससे हेल्थ कार्ड की बिक्री को आप 4 गुना कर सकते हो, 8 गुना कर सकते हो, 10 गुना कर सकते हो। आपको लोगों को ये बताना कि हेल्थ कार्ड, ये जो गामा और रिदोल है, ये हमारे हेल्थ कार्ड में मौजूद है। आपको राइस ब्रांड के नाम से बाहर निकलना है और गामा और रिदोल के नाम से हेल्थ कार्ड को पॉपुलर करना है, और ये डॉक्टर बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर जो अभी बचे हुए हैं, जो अभी आपकी टीम में नहीं आया, किसी और टीम में चले जाएंगे, हर डॉक्टर सेटिस्फाइड डॉक्टर है इस प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि उसके मरीजों को रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद का है, चाहे वो एलोपैथ का है, चाहे वो नेचुरोपैथ का है, चाहे वो किसी भी पैथी का है, एवरी डॉक्टर, चाहे वो झोला छाप है, चाहे वो MBBS नहीं MBA, वो सुपर स्पेशलिस्ट का डॉक्टर है, हर डॉक्टर इससे संतुष्ट है। ये किताब आपके लिए भुजाएं बन सकती है, ये किताब आपकी भुजाओं को बढ़ा सकती है, और साथ में ये ग्लूकोमीटर जो कि आपको 10 रुपए का खर्चा देता है, 450 रुपए का आता है, जिससे आप लोगों की डायबिटीज टेस्ट कर सकते हो, और आज की तारीख में लगभग 50% लोग डायबिटीज के बॉर्डर पर हैं, आप आसानी से दे सकते हो। और कैंसर को आपने पकड़ लिया तो भारत को कैंसर मुक्त बनाने में मदद कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर राहुल भार्गव बोल चुके हैं कि कैंसर का इलाज बाद में हम कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन गामा और रिदोल का रेगुलर सेवन करना आपके कैंसर को रोकने में मददगार है। और पूरे हिंदुस्तान को एक ही लाइन में बोलना चाहता हूं, अगर गामा है जिसके पास तो नहीं जाना पड़ेगा कभी औजारों के पास, ये बिल्कुल है। और प्रकृति के नियम से को मैंने समझा कि जो बह रहा वो गूंगा, मीटिंगों का बात बढ़ाई और रिजल्ट बढ़ गए, और इसके आंकड़े मेरे पास बहुत सारे हैं, अभी इतने आंकड़े हैं कि मैं सबको लूंगा तो लंबाई बहुत बढ़ जाएगी। बस सिंपल है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव पीपल्स के अराउंड रहते हो तो आपके भीतर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। इसी बात के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपका बिजनेस किसी भी स्टेज पर है, लेकिन आज मैं अपनी इस कार्यशैली से इस स्टेज पर लाना चाहता हूं। ये आपकी चमक बढ़नी चाहिए, आपकी सफलता बदलनी चाहिए, ताकि सबका भला हो सके और सब सुख पाए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हुआ हो, पर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, बहुत बेहतरीन। और आपका तो शुरू से ही ये सूत्र जो हमने फॉलो किया है कि फोकस प्रमोशन एंड सेलिब्रेशन, वो डे वन से जो है आपका ये सूत्र हम इसके ऊपर पालन कर रहे हैं, और आज का जो पूरा का पूरा मीटिंग रहा वो इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर आधारित था कि फोकस प्रमोशन एंड सेलिब्रेशन। आपका एक सूत्र के बीच विल यू फोकस दैट विल बी लार्ज, जिस जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे वो चीज बड़ी होगी, गामा के ऊपर और लॉयल क्लब के ऊपर, इन दो चीजों के ऊपर यदि पूरा फोकस बढ़ा के चला जाए तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जो ये नॉर्मल बेड से लग्जरी बेड में, नॉर्मल रूम से लग्जरी रूम में, फाइव स्टार में जाने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल से लेकर एमरल्ड तक कोई भी ले सकता है। जी, और वो स्टार पर्ल से लेके एमराल्ड तक के जितने भी साथी हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ मेरे स्टेशन पे 100 लोगों का जो है ये प्रोग्राम करवाने के लिए, 1 महीने 1 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 3 महीने 3 महीने का टाइम जो है गुरुदेव ने दिया है, और वो आपके स्टेशन सुपर डुपर हिट होंगे और लोक हो जाएंगे, उनके ऊपर जो है आप काम कर सकते हैं। और जितने भी साथी अभी इस समय जुड़े हुए हैं आज के इस प्रोग्राम में, एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से जो है सर ने क्लियर किया है, और प्रैक्टिकल अनुभव, देखो
गुरुदेव की एक बात मैंने जो है गुड़गांव के एक प्रोग्राम में नोट की थी, जब हम लोग बोल रहे थे तो नीचे आए तो सर ने एक बात बोली थी कि ये आरसीएम के जो लीडर हैं ये तोते नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले लीडर हैं। तो तोते वो होते हैं जो एक एक कंपनी में एमबीए करके उस कंपनी जो बोलती है उसको वही आगे बोलता है, वो इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव है ना वो बहुत बड़ा काम करवाते हैं। और सर का, गुरुदेव का जो इतने बरस का जो प्रैक्टिकल अनुभव है फील्ड का और लोगों से मिलने का और किस काम को किस तरीके से बढ़ा जा सकता है और आज की डेट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है और किस पॉइंट को पकड़ के आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, केवल जो पॉइंट दिया मैं बड़ा उससे इंस्पायर हुआ कि ये केवल 2 महीने का बिजनेस नहीं, मतलब सितंबर और मार्च का नहीं, बल्कि हर महीना सितंबर हो सकता है, हर महीना मार्च हो सकता है। इस तरीके से जो है हम अपने बिजनेस को डिजाइन करके चल सकते हैं। जो चेक आपके मार्च की क्लोजिंग के ऊपर आए हैं वैसे चेक आपके जो है हर महीने जो है वो बन सकते हैं और वो बनने भी चाहिए। आप सबके अंदर जो है वो खास बात है, आप सबके अंदर जो है वो कैलिबर छुपा हुआ है और मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जो व्यक्ति कहता है कि यस आई कैन डू इट तो परमात्मा भी उसको जो है हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा गुरुदेव का और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं आपके वार्म वेलकम के बीच में हम सबके सीनियर अपलाइन मतलब मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ राकेश सर से। वो हमारे पंजाबी में कहावत है कि चन्न ना होंदा तारे ना होंदे, मतलब ये तड़ी बुढ़ी ना होंदी तसी सारे ना होंदे, मतलब वो गुरुदेव जिसकी वजह से हम सारे हैं। तो मैं एक बार वेलकम करना चाहता हूँ आपके वार्म वेलकम के बीच में गुरुदेव राकेश शर्मा सर को। वेलकम राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर, और थैंक यू वेरी मच गुरुदेव बीसी छावड़ा सर। आपका जो सेशन होता है ना सर, लाजवाब होता है, मुर्दों में जान डालने वाला सेशन होता है। और आज से नहीं है, मैं बीसी सर को, मेरे को 21 साल 3 महीने हुए आरसीएम में और डे वन से मैं बीसी सर को सुनता हूँ। वही एनर्जी, वही जोश और वही विजन सर जो पहले दिन था वही आज भी है। उस समय जो बीसी सर बात करते थे ना, उस समय हमारे को ज्यादा समझ में नहीं आता था। हम साइकिल चलाते थे और बीसी सर कहते थे कि आपके घरों के आगे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी। अब ये सिर से ऊपर से जाता था, एक साइकिल वाले को अगर आप बोलोगे कि 3 कारें खड़ी होंगी तो हमें लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सर के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ और 1, 2, 10, 20, 50 लोगों के साथ नहीं, हिंदुस्तान के लाखों लोगों के साथ में हुआ। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज आरसीएम जिस लेवल पे है, बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी आरसीएम जैसी कंपनी आई, आरसीएम जैसे प्रोडक्ट लेके आई, आरसीएम जैसे प्लान लेके आई, वो सब कुछ ले आई, लेकिन उनको आरसीएम के बीसी छावड़ा सर नहीं मिले, इसलिए वो नहीं चल पाई। और आज आरसीएम जिस भी लेवल पे है उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी एक शख्सियत का है सर, वो बीसी सर का है। बीसी सर को आरसीएम कभी भूल नहीं सकता। आज आरसीएम जहां पे पहुंचा है बीसी सर ने उस लेवल पे पहुंचाया है। मैं जानता हूँ सर, छोटी छोटी मीटिंग बीसी सर 20-20 लोगों की मीटिंग करके जाते थे और 20 लोगों की मीटिंग से पहले मीटिंग करते थे, फिर मीटिंग के बाद मीटिंग करते थे। हम थक जाते थे, हम 20-21 साल के हम थक जाते थे और सर बात करते थे और विजन देके जाते थे, एक्साइटमेंट देके जाते थे। और जो भी हम कुछ कर पाए हैं ना, वो सर के विजन की वजह से कर पाए हैं, सबकी सर की नॉलेज की वजह से कर पाए हैं। सुनना एक अलग चीज होती है सर, इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज होती है। सुनते बहुत सारे लोग थे लेकिन रिजल्ट उन लोगों के पास में आए हैं जिन्होंने बीसी सर की बातों को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, अपने व्यवहार में लेके आए, अपने बिजनेस में लेके आए। आज 3 चीजों के ऊपर सर ने बहुत ही जबरदस्त बात की है। सबसे पहले सर ने जो बात की है लॉयल क्लब के ऊपर में, और वाकई में ये एक ऐसा क्लब है। आपकी टीम में कितने लोग हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी टीम में कितने लोग लॉयल लीडर हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक फोटो आप देखते होंगे कई बार आपके व्हाट्सएप पे आती होगी, एक गाड़ी के चारों टायर पंचर हैं और उस गाड़ी के अंदर पूरे टायर डले हुए हैं, पूरी टायर से भरी हुई है लेकिन वो खाली टायर हैं। तो आपकी टीम में लोग कितने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने काम के लोग हैं। और क्या पहचान है सर, जो अपने घर के सामान नहीं बदल सकता ना, उससे आप उम्मीद मत करो कि वो रॉयल्टी अचीवर बनेगा। उस पर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, इस चीज पे फोकस करना चाहिए। यहाँ से आपकी टीम में कितने लोग लॉयल हैं, कितने लोग काम करना चाह रहे हैं, कितने लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो चीज ये लॉयल क्लब उन लोगों को अलग करेगा। दूसरा सर ने बात की बड़ी जबरदस्त सर, 100 सक्सेस के ऊपर में। अभी जो हमारे एमराल्ड एंड अबव अचीवर है, मैंने लिंक डाल दिया सर एमराल्ड अबव बोर्ड रूम में, उस लिंक के साथ हम तुरंत जुड़ेंगे 15 मिनट की और सर के साथ में कुछ डिस्कशन है। तो
100 सक्सेस के ऊपर उस मीटिंग में हम बातचीत करेंगे अभी तुरंत इस मीटिंग को खत्म होने के बाद। और तीसरी जो है सर गामा ओरिजिनल, देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इस बिजनेस में हम बोलते थे कि जो भला करेगा लोगों का उसका लाभ होगा, और इससे बड़ा भला करने वाला प्रोडक्ट हमारे आरसीएम बिजनेस में अभी तक नहीं आया। आप गामा ओरिजिनल से अपने बिजनेस का निर्माण नहीं कर रहे सर, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचा रहे हो। तो गामा ओरिजिनल के ऊपर काम करनी चाहिए, हेल्थ के साथ में वेल्थ बनती है यहाँ पे। तो गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके गजब के रिजल्ट है, कितने सारे रिजल्ट है, बीसी सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम अगर देने लगेंगे तो रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे। तो एक गजब का प्रोडक्ट है सर, दिल से इस प्रोडक्ट के साथ में काम करना चाहिए। और बीसी सर ने आज तक में जो भी टारगेट लिए हैं, बीसी सर सब शुरू में लोग आरसीएम सुनना पसंद नहीं करते थे, आरसीएम का प्लान देखना पसंद नहीं करते थे, उस समय बीसी सर ने कहा था 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और बहुत सारे लोगों के ये बात ऊपर से गई थी कि 1 करोड़ लोग इस बिजनेस को कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा, वो 1 करोड़ लोग कैसे ज्वाइन हो जाएंगे, और वो टारगेट सर कब का पूरा हो चुका है, और 1 करोड़ से कितने करोड़ लोग जुड़ चुके हैं आरसीएम बिजनेस में वो हम सबको पता है। तो ये 5 करोड़ का मिशन भी पूरा होगा, और 5 करोड़ का पूरा नहीं होगा, ये 5 करोड़ का मिशन सर क्रॉस होगा, क्योंकि बीसी सर का साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो थैंक यू वेरी मच सर, पूरी टीम की तरफ से, पूरी सीनियर साथियों की तरफ से, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीटिंग में इस संदेश को देने का ये है कि एनिवर्सरी में उस 100 में आपको शामिल होके एनिवर्सरी की स्क्रीन पे आपको आना है, मतलब 100 में आपको आना है, मतलब कोई चाहे लीडरशिप के रूप में आए, चाहे कोई रॉयल्टी के रूप में आए, चाहे 48 गामा के रूप में आए, चाहे क्राउन के में आए, चाहे वीर क्लब के रूप में आए, वीरांगना में आए, कहीं पे भी आए, लेकिन उन 100 में हर आदमी को, यानी अभी मेरे पास 794 लोगों की लिस्ट है, 794 से एक बच्चा भी छूटा तो मेरा दिल टूटा और सुरक्षा चक्र टूटा। वो 100 में आने का संकल्प हर व्यक्ति को करना है, और सफलता सबको मिलनी चाहिए, सेलिब्रेशन सबका होना चाहिए। तो मेरा सपना है कि ये जो 6 पीस की पिन है, इससे कोई साथी छूट ना नहीं चाहिए हिंदुस्तान के घर घर में। जब ये पिन पहुंच जाएगी ना, तो फिर मिशन 5 करोड़ तो ये पिन ही पूरा करा देगी। आप ट्रेन में बैठे होंगे तो जो अगर कोई हॉस्पिटल से आया होगा आदमी, तो उसका इस पिन पे ध्यान जरूर जाएगा। आपके पास किताब है और ये पिन लगी हुई है तो वो कहेगा सर मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, ये है क्या चीज है, मतलब वो समझ लो आपका काम हो गया। तो ये पिन आपके सीने पे पूरे हिंदुस्तान में आपको ब्रांड एम्बेसडर बना देगी। बस उस समय थोड़ा टूल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि आप उससे पेशेंस के साथ बात करो, वहीं का वहीं चिपक जाओगे तो वो कहेगा यार ये तो गलत हो गया। मतलब चिपकना नहीं है, उससे टाइम लेना, घर जाना है किताब के साथ साथ में, या जैसा भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो आपको पूरा हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग आपको देवता का, फरिश्ते का, मसीहे का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी दवाइयां छुड़ा सके। बिल्कुल सर, और बड़ी शानदार पिन है। अभी प्रमोद सर की एकेडमी थी, और जिन लोगों ने इस टारगेट को पूरा किया था, मार्च में हमने 6 पीस का टारगेट दिया था, और जिन भी साथियों ने टारगेट पूरा किया सबको पिन लगी भिलवाड़। अभी वीरक साहब की एकेडमी है, उसके बाद में सलीन जी की एकेडमी है, मंडल जी की एकेडमी है, तो सभी को पिन मिल जाएगी सर वहां पे भिलवाड़ा में, बाकायदा स्टेज के ऊपर प्रमोशन के साथ में आपके अपलाइन सीनियर साथी आपको ये पिन लगाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद बीसी सर, और शब्द नहीं है सर हमारे पास में आपका धन्यवाद करने का। आपका जो आशीर्वाद है उसकी वजह से लाखों लोगों के जीवन को, जीवन आपके आशीर्वाद ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, और आज भी ये सारे के सारे साथी उस 100 सक्सेस में शामिल होंगे। इन्हीं बातों के साथ में, और हम सब लोग एक बार मिलके बीसी सर का धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद इस मीटिंग का हम समापन करेंगे। सेकंड मीटिंग में की हम शुरुआत करेंगे जो एमराल्ड एंड अबव लीडर के साथ में बीसी सर की रहेगी, 15-20 मिनट की वो मीटिंग रहेगी। उसको आप जो एमराल्ड साथी हैं सभी के पास में लिंक ग्रुप में जा चुका है, आप उसको अटेंड करें। तो मैं एक बार आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, और दिल की गहराइयों से और जिस भी स्टाइल में थैंक यू बोल के, जे आर सी एम बोल के, या बीसी सर धन्यवाद बोल के, आप आज इस मीटिंग का हम समापन करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और अनम्यूट करके बीसी सर का धन्यवाद कर सकते हैं।